यस स्टार्टेड। ओके सर, ओके सर। अच्छा देखो सर, तो फिर बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का क्लास है, और इकोनॉमिक्स में ये बेसिकली तभी मैंने माइक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट किया। सीए के सिलेबस में माइक्रो मैक्रो दोनों है। मैक्रो का रिसेंटली एक क्लास चल रहा था, उसका मैं एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा सर नेक्स्ट वीक से। और अभी माइक्रो चल रहा है जो इकोनॉमिक्स का मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सीएमए में मेनली माइक्रो ही है सर, मैक्रो का हल्का फुल्का मनी बैंकिंग पर सीखना सा है, ज़्यादा नहीं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स का बेस है सर, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक इन सिंपल मैं रोज बोलता हूँ, इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, पैसा कमाने का सब्जेक्ट है। ओरिजिनली अगर हाउ टू मेक मनी अगर गूगल करते हो, अलग अलग लोग अलग अलग बात करता है, कोई भी इकोनॉमिक्स का बात नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर सीरियसली देखा जाए तो पैसा कैसे कमाया जा सकता है, इसका एक्चुअल सीक्रेट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर छुपा हुआ है सर। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो क्या ये पैसा कमाने का सीक्रेट है? द आंसर इज यस, द सीक्रेट ऑफ मेकिंग मनी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। इसके लिए अच्छा, मैं ये जबरदस्ती बोल रहा हूँ सर? नहीं, क्यों जबरदस्ती नहीं समझा रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखो कि कंट्री में या फैमिली में, चलो कंट्री तो बहुत बड़ा बात हो गया, अब अपना अपना फैमिली को देखो, अपने अपने फैमिली में हमेशा ऐसे तो बहुत सारा मैटर में बातचीत होता है। आज खाना क्या खाना है घूमने कहाँ जाना है, ठीक है, पार्टी कब करना है, वो तो होता ही है। लेकिन एक सीरियस टॉक में बीच बीच में होता है, और वो सीरियस टॉक अबाउट मनी होता है कि नहीं होता है ना? कि मानो घर पे कुछ फाइनेंशियल डिसीजन होना है, कि मानो पापा बोला कि इस बार थोड़ा सा हम लोग का फ्लैट को रिनोवेट करना है, या फिर घर को थोड़ा सा और बढ़ाना है, किचन, माँ का किचन अच्छा नहीं है तो किचन को थोड़ा सा ठीक करना है, मॉड्यूलर वाला बनाना है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग चलता है, लेकिन वो डिसीजन लेना है तो फिर वो अल्टीमेटली जब बात करता है तो उसका एक ही कंसर्न होता है सर, पैसा कहाँ से आएगा, है ना? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लड़का बोल रहे हैं कि घर का जो लड़का लड़की लोग है, बच्चा लोग है, बच्चा लोग बोल रहे हैं कि हमको ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, हमको दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो फिर पापा क्या करते, चिंता में आ जाता है फिर मनी, चिंता मनी 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 का चिंता आ जाता है। लेकिन सर ये सारा चीज मैनेजमेंट कब हो पाएगा? जब वो इकोनॉमिकली प्रॉपरली मैनेजेबल रहे। अगर आपका इकोनॉमिक डिसीजन गलत हो जाता है तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हो। इसलिए पैसा बनाना एज वेल एज पैसा को बचाना, पैसा बनाना हाउ टू मेक मनी, हाउ टू सेव मनी एज वेल एज हाउ टू यूज मनी। इंटरेस्टिंगली पैसा घर पे रहने से पैसा पड़ता नहीं है, क्योंकि पैसा अपने आप में अंडा नहीं देता है। ऐसे गाना है ना, आओ सिखाओ अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली अंडा, सुना है ना सर गाना? तो अंडा तो फिर भी अगर जिसका अंडा है वो अगर उस पे प्रोसेस करता है तो अंडा से मुर्गी बनता है, तो पैसा भी हम लोग का दिया हुआ अंडा ही मानो आप 2 सेकंड के लिए, क्योंकि जो बंदा इनकम कर रहा है वो बेसिकली पैसा को ऐसे अंडा दे रहा, एग्जाम्पल के लिए बताओ। लेकिन वो पैसा को अगर तुम घर पे रख लोगे, से फॉर एग्जाम्पल अपने लॉकर में, अपने लॉकर के अंदर या संदूक जिसको हम लोग बोलते हैं, संदूक के अंदर अगर पैसा को रख दोगे, क्या पैसा बढ़ जाएगा? उल्टा उसका वैल्यू कम हो जाएगा, गिर जाएगा, ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि देर इज अ इन्फ्लेशन इन द मार्केट, ठीक है। मार्केट में क्या है सर, महंगाई है। और आप सोच रहे हो कि जैसे पुराने जमाने में बहुत सारे लोग अपना पैसा कैसे गवा दिया, देखो बहुत सारे जमींदार लोग, पहले जमींदारी था एक जमाने में, कभी एक जमाने में जमींदारी था, लेकिन अभी जमींदारी नहीं है। तो जब उनके पास पैसा था, तो उस टाइम पे वो इतना रिच था, तो फिर सर आज क्यों रिच नहीं है? इसका 2 रीजन हो सकता है, बैड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, या तो ये हो सकता है कि उसने पैसा को सिर्फ खर्चा ही किया और ऐसी जगह में खर्चा किया जहां पैसा का ग्रोथ नहीं है, सिर्फ कंजम्पशन है। मैंने सिंपल बात करें, बस मस्ती मजाक करते करते पैसा खर्चा कर दिया, कभी पैसा को बचाया भी नहीं और पैसा को कभी ऐसा किसी जगह में इन्वेस्ट नहीं किया जिसके थ्रू से वो पैसा बढ़ सकता है। लाइक ना तो बैंक में डाला, ना ही पोस्ट ऑफिस में डाला, ना ही किसी सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया, बॉन्ड खरीदा, और ना ही शेयर मार्केट में कभी पैसा डाला, ना ही म्यूचुअल फंड का ऐसा ही दिया, ठीक है। तो पैसा को ग्रो करने के लिए आपको, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे भी बड़ा बात है कि मेक मनी फ्रॉम मनी, माने आपको अगर पैसा बनाना है तो उस पैसे को प्रोसेस करते रहना है, फर्दर यूटिलाइज करते रहना है, फर्दरेंस करते रहना है। क्या करना है, से फॉर एग्जाम्पल बिजनेस करो, सैलरीड फैमिली और एक बिजनेसमैन फैमिली में एक डिफरेंस होता है। नॉर्मली एक सैलरीड फैमिली सिक्योर्ड होता है,
सर मैं यहाँ पर पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आप चाहो तो उसको पर्सनली ले सकते हो, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद दैट, बट कहने का मतलब है कि आप कंपैरिजन देखो सर मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसको प्लीज अंडरस्टैंड करने का कोशिश कर। एक सैलरीड फैमिली के पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा इन द सेंस कि मानो पापा सैलरी में कमाते हैं, जॉब करते हैं, तो एवरी मंथ घर पे पैसा आता है और उसी पैसे से मैनेज करना होता है। साल भर 2 साल में जब पापा जिस कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं वहां पर अगर सैलरी में ग्रोथ होता है तो पैसा थोड़ा बढ़ता है, और बीच में साल के बीच में एक बार आध बार कंपनी बोनस देता है एज पर बोनस एक्ट, तो उस बोनस का पैसे से हम लोग थोड़ा खुशी मनाते हैं। और अगर सरकारी कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी में अगर टाटा जैसा कंपनी है तो बिजनेस मैंने एम्प्लॉय को कुछ सुविधाएं देते हैं, जैसे घूमने जाओ फैमिली के साथ, ठीक है, तो ये सब सुविधा देते हैं, तो सैलरीड पर्सन खुश होते हैं। क्यों? अपनी पॉकेट से खर्चा नहीं करना पड़ा, एक्स्ट्रा मिला, चलो घूम के आते हैं। तो सैलरीड पर्सन का लेकिन फिर भी एक चिंता होता है साल भर कि वो अनलिमिटेड वे से अपना पैसा को ग्रो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास तो है लिमिटेड, सिक्योर्ड वाला पर लिमिटेड वाला, यस और नो? सिक्योर्ड वाला पर लिमिटेड वाला। लेकिन बिजनेसमैन फैमिली का क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट, गुड इसका इवनिंग सिक्योर्ड, सर। यस सतान जी गुड इवनिंग, इसका सिक्योर्ड नहीं है। बिजनेसमैन का पैसा सिक्योर्ड नहीं है, सिक्योर्ड माने पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है ना भी आ सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो ज्यादा भी आ सकता है, और इतना ज्यादा आ सकता है कि शायद आप सोचा ही नहीं, और इतना कम भी आ सकता है शायद आपने उसके लिए भी रेडी नहीं था। तो बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो अनसर्टेन है, लेकिन वो आपको मल्टीपल करने का मौका देता है, पैसे को ग्रो करने का मौका देता है, काफी मौका देता है ना। आप अलग अलग वेंचर में डालोगे, पैसा को प्रोसेस करोगे, वो पैसा ग्रो करता है। इसलिए सैलरी कमा के कोई भी बंदा कभी भी रिचेस्ट पर्सन नहीं बन सकता। रिचेस्ट पर्सन बनना है तो भाई बिजनेस ही करना है, सैलरी कमा के तुम कैसे रिचेस्ट पर्सन बनो? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है सर? तो सैलरी कमा के सिक्योर्ड लाइफ हो सकता है। आई एम नॉट अगेंस्ट सैलरी, मेरे को सैलरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। आप सैलरीड पर्सन बनोगे कि बिजनेसमैन बनोगे ये आपके अपने अपने कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि तुमको क्या चीज अच्छा लगता है, अनसर्टेनिटी पे जीना कि सर्टेनिटी पे जीना। सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी समझते हो ना? अनसर्टेनिटी का मतलब क्या? हमको पता नहीं हम किधर जा रहे हैं लेकिन हम जा रहे हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं पर हम जा रहे हैं। और सर्टेन का मतलब क्या है? हमको पता है हम कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। बिजनेसमैन का हमेशा पता नहीं चलता वो कहाँ जा रहा है क्यों जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है, वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। नहीं ऐसा नहीं कि अंधेरे में चल रहा है, वो चल रहा है, एक फोकस होके चल रहा है, बट एक अनजान रास्ते पे चल रहा है। मैंने अनजान रास्ता में पता नहीं सर क्या होगा आगे, सिक्योर्ड नहीं है उसका, समझ में आ रहा है सर बातें? लेकिन चाहे अब बात ऐसा है कि सर आप सैलरीड फैमिली से बिलोंग करो या फिर एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करो, मनी को मैनेज करना है दोनों फैमिली को करना, जिसका जैसा सिचुएशन है दोनों को करना है। दोनों फैमिली का एक पर्पस होता है, दोनों का एक माने एक लिमिटेड पैसे में गुजारा करना पड़ता है हमेशा। सर लिमिटेड पैसा? हाँ हमेशा लिमिटेड पैसा। सर क्यों? सर बिजनेसमैन फैमिली का प्रॉब्लम यह है कि उसको मानो इस किसी मंथ में अच्छा इनकम हो गया पर नेक्स्ट मंथ में अच्छा होगा कि बुरा होगा, डोंट नो। अच्छा सैलरीड पर्सन का क्या है? उसको एक ही चिंता है कि भाई मेरा तो सैलरी बढ़ेगा नहीं, और इकोनॉमी से एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, स्कार्सिटी है ना, देयर इज ऑलवेज अ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी इन द सेंस हर चीज का कमी है, घर पे कुछ भी बोलो पापा को, पापा हमको ये चाहिए, अभी नहीं होगा रुक जा अभी 2 महीने बाद, बोलता है सर कभी डिमांड करके देखो, जब जब मांगोगे तब नहीं मिलेगा, बाद में ही मिलता है। सर आपको लगता है ये आपके साथ ही होता है या हर किसी के साथ होता है? हाँ कोई बोलेगा नहीं मेरे घर के बगल में एक रिच डैड का रिच सन है, ठीक है उनको तो मिल जाता है, जब निंजा मांगा निंजा मिल गया, निंजा बाइक होता है ना, ठीक है 70-80 लाख का बाइक, ठीक है जब निंजा मांगा निंजा मिल गया, केटीएम मांगा केटीएम मिल गया, हमारे बारी क्यों ऐसा होता है? सर शायद वो ऑडी मांगा था उसको निंजा मिला है, आपको क्या हो सकता है? वो BMW मांगा था उसका दाम शायद करोड़ों में है, निंजा मिला है, आपको कैसे पता? आप पता करोगे तो पता लगेगा।
सबका अपना अपना लिमिटेड पॉइंट प्रॉब्लम है सर। लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल करना, लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल करना, ये इकोनॉमिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जंक्शन पे लेके चलता हूँ। लास्ट क्लास मैं एक्चुअली दो क्लास हुआ इसके पहले इकोनॉमिक्स का, एक मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, मेरे से बैकअप ले लेना सर, हाँ इसका भी मिस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इस पर मैंने बातचीत किया, इकोनॉमिक्स का नेचर पे बात किया कि भाई ये इकोनॉमिक साइंस है, आर्ट्स है, प्रैग्मेटिक है, नॉर्मेटिव है, इस तरह का बातचीत किया। और लास्ट दिन यही बात कर रहा था कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मैं क्यों बोला कि पैसा कमाने का सोर्स है, क्योंकि ये सच में पैसा कमाने का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे आज अगर आप इंडियन इकोनॉमी की तरफ देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या फिर उनके साथ जुड़ा हुआ जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर जो देश का इकोनॉमिस्ट लोग हैं, इनका एक टारगेट है सर। जैसे मैं आपको, चलो कॉन्ट्रोवर्शियल बात करना मेरा थोड़ा आदत है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जानबूझ के नहीं करता सर, और मैं हमेशा रेलिवेंट बात भी उठाता हूँ और उस पर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ओनली फॉर आवर मैंने अंडरस्टैंडिंग। इसमें मैं कॉन्ट्रोवर्सी फैलता नहीं, मैंने ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रोवर्सी करके मारपीट करवाना है, मैं जस्ट आपको मुद्दा उठाता हूँ। जैसे मैं, चलो एक मुद्दा उठाता हूँ, मुद्दा कॉन्ट्रोवर्शियल है सर। कैसा कॉन्ट्रोवर्सी, चलो दो मिनट कॉन्ट्रोवर्सी कर लेते हैं फिर सीधा पॉइंट पे आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बोला कि हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस है, जैसे मानो जो प्राइम मिनिस्टर है, जो डिसीजन मेकर है, अब उनको ना हमेशा चिंता होता है कि देश के लिए क्या बेहतर होगा। ठीक है, अब कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि भाई जो कर रही है सही नहीं कर, कभी बोलते हैं सही, कुछ लोग बोलते हैं सही है, कुछ लोग बोलते हैं सही नहीं है। ठीक है, अब कॉन्ट्रोवर्शियल बातें हैं, जैसे एग्जांपल ले लूंगा तो आपको भी समझ में आएगा हाँ सच में कॉन्ट्रोवर्सी। सर राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? ठीक है, अगर मैं जात पात को थोड़ा साइड कर दूं, मैंने मस्जिद को गिरा के मंदिर बना कि उससे पहले वहां पर मंदिर था उसको गिरा के मस्जिद बना था, मैं उस हिस्टोरिकल पार्ट में मैं नहीं चलूं। ठीक है, लोगों का आस्था वगैरह में मैं बात नहीं करूँ। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता, तो उस पर मैं बात नहीं करूँ। मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करूँ। इसमें बात सिर्फ राम मंदिर का नहीं है, मैटर इज अबाउट मंदिर एस्टेब्लिशमेंट, कि क्या देश में मंदिर बनना चाहिए या सिर्फ कॉर्पोरेट हाउस ही बनना चाहिए, जो कि हाँ बोलो सर मंदिर हवा उचित, कारण टूरिस्ट आसबे इनकम होबे আমাদের। चलो भूमिषा बोल रहे सर मंदिर होना चाहिए, उसमें टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, उसमें भी इनकम ग्रो करता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बनना चाहिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि नहीं सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिस बनाओ और फैक्ट्री बनाओ क्योंकि लोगों को नौकरी का जरूरत है। लेकिन सर ये पूरा पूरी सही बात नहीं है, कॉर्पोरेट ऑफिस भी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी भी चाहिए, एज वेल एज मंदिर वगैरह चीज भी चाहिए, अगर वो लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ हो। और अगर अच्छा, इसका मतलब क्या कहीं भी कुछ भी मंदिर बना तो चलेगा क्या? जहां पर कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स कनेक्ट है, जहां पर कुछ लोगों का दिल से जुड़ा हुआ कुछ बात कनेक्टेड है, वहां कुछ करोगे तो बनेगा। जैसे पूरी जगन्नाथ वो सुंदर बनेगा तो बहुत लोग उधर जाते हैं, जगन्नाथ पूरी। द्वारिका में कृष्ण भगवान का जो कैपिटल था वहां पर कुछ होगा तो लोगों का कनेक्शन बनता है। ये त्रिपुरा से बिलोंग करता है, त्रिपुरेश्वरी है ना। अब त्रिपुरा इंडिया के टूरिस्ट मैप में उस तरह से अभी भी प्रमोट नहीं हुआ, रिसेंटली सौरभ गांगुली को अपॉइंटमेंट किया गया, पता है आपको? सौरभ गांगुली अभी त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर है, त्रिपुरा टूरिज्म को डेवलप करने के मैनेजर है। त्रिपुरेश्वरी माँ दुर्गा का एक बहुत बड़ा रूप है सर, तो त्रिपुरेश्वरी मंदिर में वहां पर लोग जाते हैं, बहुत पुराना बात है। लेकिन लोग त्रिपुरा उतना नहीं जा पाते, दो रीजन है, एक जियोग्राफिकल, एक कटआउट प्रॉब्लम है कि त्रिपुरा डायरेक्टली रेल से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है ना, मैंने आपको घूम के जाना पड़ता है। रिसेंटली बांग्लादेश के साथ एक कनेक्टिविटी हुआ है ना सर,
चालू हो गया सर? चालू होगा पता नहीं, अब चालू हो जाएगा तो शायद अच्छा रहेगा। अब बांग्लादेश क्योंकि अलग कंट्री है तो आप ट्रेन से तो नहीं उतर सकते, लेकिन हाँ आप जा सकते हो थ्रू बांग्लादेश, आप त्रिपुरा जा सकते हो। ठीक है, ट्रेन से उतर नहीं सकते आप, कैसे उतरोगे? दूसरा देश हो जाएगा ना, वीजा पासपोर्ट हो जाएगा, हाँ अलग जमीन हो जाएगा ना, तो वीजा पासपोर्ट का इश्यूज हो जाएगा, तो आप नहीं उतर सकते। लेकिन आप इजिली हम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर सकते। तो पॉइंट इज दैट, इसलिए थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर नहीं हो पाया है अभी तक। ना क्वेश्चन इज दैट कि राम मंदिर बना तो क्या राम मंदिर बनने पे इकोनॉमी डेवलप नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और वो भी रहा है, क्योंकि मंदिर से कनेक्टेड बहुत सारा सर्विस चलता है, और लोग ना माने मंदिर पे ना लोगों को बुलाने का जरूरत नहीं पड़ता, वो ऐसे ही जाता है। हाँ वो चैरिटी हो रहा है सर, वो बेसिकली नेशनल गांव के डायरेक्टली कनेक्शन पे नहीं था, वो तो सरकार ने नहीं दिया सर। राम मंदिर के खर्चे की सरकार दीजिए, राम मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बना है, ये पूरा पूरी चंदे के पैसे बना है, डोनेशन, पब्लिक डोनेशन पे बना है। राम मंदिर का जो स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर L&T ने बना के दिया, लार्सन एंड टुब्रो, बड़ा फेमस कंस्ट्रक्शन कंपनी है वर्ल्ड का भी और इंडिया का, साउथ बेस्ड कंपनी, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया, आप लोगों को शायद पता नहीं है। राम मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर जो बना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेशन है, इतना बड़ा मंदिर बना है, इसमें गवर्नमेंट का एक पैसा खर्चा नहीं, एक पैसा खर्चा नहीं। हाँ सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए शायद सरकार खर्चा कर रहा है, लेकिन वो भी नहीं कर रहा होगा शायद, मेरे हिसाब से वो भी ट्रस्ट के पैसे से ही चल रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज नॉट दैट कि मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर किसी जगह में मंदिर बनने से उस एरिया का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, उस एरिया का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ साथ उस एरिया का टूरिस्ट डेवलपमेंट होता है, भाई पैसा कमाने से मतलब है, फैक्ट्री बना के पॉल्यूशन करके ही पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा कहाँ लिखा है? कश्मीर में तो फैक्ट्री नहीं बनेगा, लेकिन कश्मीर का तो कश्मीर अकेला 10 स्विट्जरलैंड का बाप है सर, कश्मीर का साइज भी बड़ा है, अगर पाकिस्तान को शांत किया जाए तो हमारा कश्मीर दुनिया का बेस्ट मैंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, स्विट्जरलैंड उसके सामने कुछ नहीं, स्विट्जरलैंड में सिर्फ बर्फ वाला पहाड़ी है। कश्मीर का जो खूबसूरती है, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, बट यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं वो स्विट्जरलैंड जाते हैं ना, है ना, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि स्विट्जरलैंड से भी बेहतरीन लैंडस्केप कश्मीर का, साइज में भी स्विट्जरलैंड से कश्मीर बड़ा है ओवरऑल, यानी स्विट्जरलैंड एक पूरा कंट्री है और कश्मीर एक स्टेट है इंडिया का, लेकिन अगर आप मैप में पुट करोगे तो स्विट्जरलैंड छोटा ही पड़ जाएगा शायद, चेक करके देख सकते हो। लेकिन अगर ये आतंकवाद, पाकिस्तान का पंचायती, इसको थोड़ा ठंडा कर दिया जाए, इसलिए तो दुनिया नहीं चाहता कि कश्मीर ठीक हो जाए, क्योंकि कश्मीर ठीक होगा ना अकेला कश्मीर पूरा भारत को खाना खिला सकता, इतना टूरिस्ट आएगा, बहुत डेवलप करेगा सर। स्विट्जरलैंड किससे खाता है सर? टूरिज्म से तो खाता है, स्विट्जरलैंड तो बहुत पैसा वाला देश है। इवन स्विट्जरलैंड का एक बैंक है स्विस बैंक, जहां पर हमारे देश का कोरप्टेड लोग अपना ब्लैक मनी छुपाता है, मोदी जी ने वादा किया था 2014 में कि वो ब्लैक मनी इधर लाएगा, से तो वो पॉलिटिकल भाषण दिया था, बोला था कि हर एक इंडियन के अकाउंट में 15 लाख करके देगा। हाँ ठीक है, वो अलग बात है, ये 15 लाख एक्चुअली ब्लैक मनी का पैसा है, और ये ब्लैक मनी अगर, लेकिन स्विट्जरलैंड का बैंक तो डेटा देगा नहीं ना सर, वो डेटा रिट्रीव नहीं करने देगा, अगर देता है तो वो सारा ब्लैक मनी भारत का है, और वो अगर भारत का पैसा भारत में आ जाता है तो फिर अब वो पैसा सरकार बोला था कि हम सब हर एक भारत के अकाउंट, इंडियंस के अकाउंट में 15 लाख करके दे, ठीक है, तो बहुत लोग उस बात को उठाते हैं तो कि मोदी ने बोला था 15 लाख देगा, आज तक तो नहीं दिया, बात तो सही है, लेकिन वो क्या बोला था, अगर मैं ब्लैक मनी ला पाऊं तो ब्लैक मनी तो ला नहीं पाया तो देगा कैसे, लेकिन ठीक है, वो बेसिकली इस मुद्दे पे शायद बोल रहा था कि ब्लैक मनी बार बार जा रहा है, इसको कम करना चाहिए, शायद कम हुआ है मेरे हिसाब से, पहले से तो कम ही हुआ है, क्योंकि जो लोग ब्लैक मनी क्रिएट करता है वो लोग तो इंडिया वापस नहीं आ पा रहे हैं। अब विजय माल्या को देख लो, नीरव मोदी को देख लो, ललित मोदी को देख लो, सब तो गायब ही है ना सर, अब नया कोई तो बन नहीं रहा है अभी तक, एटलीस्ट लास्ट 5-10 साल में तो मैं देखा नहीं,
जो हो गया था हो गया था। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट है कि भाई इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए अगर मंदिर से इकोनॉमी डेवलप हो सकता है तो करना चाहिए, और अगर नहीं हो सकता है तो मत करो, दूसरे जगह में करो, प्रायोरिटी बेस्ड करो। अगर किसी एरिया में फॉरेस्ट किया जाए और उस फॉरेस्ट में लोग देखने के लिए जाता है, अगर फॉरेस्ट से उस एरिया का डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे मानो एक गांव है, एक बस्ती है, कलरफुल बस्ती बनाओ। इंडोनेशिया में एक बस्ती है, स्लम है, कलरफुल स्लम, बिलीव नहीं करोगे, वो कलरफुल स्लम देखने के लिए नॉर्मली हम लोग कभी बस्ती घूमने जाते हैं, कभी नहीं जाएंगे ना बस्ती में, भाई कौन जाता है। लेकिन इंडोनेशिया में से एक स्लम एरिया है, ठीक है, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं आपको दिखा देता हूँ सर। मैंने आप सोचो कि सोच कहाँ जाने से इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सकता है। मैं नाम नहीं जानता तो मैं ऐसे लिखूंगा, कलरफुल स्लम इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कामाबुम पेलांगी, अभी रेनबो विलेज बोलते हैं इसको, इसको रेनबो विलेज बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पूरा बस्ती है, एक्चुअल में पूरा बस्ती है, जैसे हमारे इंडिया में बॉम्बे में धरा भी है, लेकिन उसको इतना सुंदर करके ये लोग बना के रखा है कि लोग बोलेगा कि भाई ये बस्ती नहीं, हम जाएंगे ये बस्ती को घूम के आए, बस्ती तो है, देख के तो लग ही रहा है इंडोनेशिया में। अब लोग इसको स्पेसिफिकली सिर्फ विजिट करते हैं इस्लाम को देखने के, और हम लोग इस्लाम एरिया इधर तो जाना ही नहीं चाहिए। हाँ वही, मैं पेंट कर देगा, थोड़ा साफ सुथरा बना देगा तो लोग इस्लाम भी देखने जाएगा। सोच सोच का फर्क होता है। मैं आपको क्या बोला, इकोनॉमिक्स एक्चुअली बहुत बड़ा सोल्यूशन मेकिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपका कंट्री का लीडर कौन है और आपके कंट्री का चीफ मिनिस्टर, स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है, बड़ा सोच समझ के चूज करना चाहिए। पढ़ा लिखा से कोई लेना देना नहीं है, डिग्री कितना है डजंट मैटर, मैटर है कि वो सोच कितना जोड़ सकता है, ठीक है। अब मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं इंडोनेशिया घुमाने लेके जाने के लिए सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पता चल गया कि मैं ये बात को क्यों छेड़ा। यहाँ पर पॉइंट था कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू। देखो भाई किताबी बात है, ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, कैसे बनाए और क्या बनाए, मंदिर बनाए, किस लैंड डेवलप करे, फैक्ट्री बनाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डेवलप करे, कि सर्विस सेक्टर डेवलप करे, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करे, व्हाट एवर क्या नीड है, उस नीड के हिसाब से इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। प्रायोरिटी वाइज करना चाहिए और थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, दुनिया से भी सीखना चाहिए। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बेसिकली इस चीज को बेसिकली डिफाइन करता है, जो चीज मैंने लास्ट दिन मेरे नोट से आप लोगों को समझाया था। ये भी सीए का ही नोट्स है, सीए सीएमए का ही, थोड़ा सा शॉर्टर लैंग्वेज में दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट का मैट भी फॉलो करो, डजेंट मैटर, और मेरा नोट्स भी फॉलो करो, एक ही चीज है। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में चीजों को सिंपल भाषा में बोला है, वहां पर थोड़ा एलाबोरेटिव वे में चीजों को एक्सप्लेन किया, बाकी मैटर में डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है कि वहां पर दिया है मेरे नोट्स में नहीं है, आप मुझे पूछ सकते हो कि सर वहां पर दिया है, आप थोड़ा समझा बताओ, अगर बाई चांस मेरे से मिस हो जाता। अच्छा, अब यहाँ पर अपना भाई साहब कुछ सवाल कर रहा था, नाम टेक भूल गया, गौरव जिज्ञेस करछिल कि सर इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, वो मेरे को एक चीज पूछा अभी कि सर यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और इकोनॉमिक साइंस है, आर्ट्स है, ठीक है, पॉजिटिव साइंस, ये वाला सवाल उठ रहा था कि सर डिफरेंस बिटवीन, लास्ट क्लास में बोला गया था उसके में मैंने सवाल किया, इसे सर पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस, इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस बोलते हैं और इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस भी बोलते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव साइंस क्यों बोलते हैं, इकोनॉमिक्स इसलिए पॉजिटिव है, इसके बारे में रीजन दिया, क्या रीजन दिया, किसी भी चीज को अगर तुम प्लान करके करो पॉजिटिव साइंस, इट स्टेट्स
what is or it makes a real description of an economy. According to Robbins, economics is neutral between ends. Neutral between ends का मतलब एंड का मतलब है कि एक खत्म होता है दूसरा डिमांड चालू हो जाता है. न्यूट्रल बिटवीन एंड्स माने ये एंड कभी एंड होता नहीं है, एंड हमेशा न्यू एंड बनाता है. यानी आपको लगेगा कि जैसे मानो अभी आप लोगों का तेरा क्या फोन है अभी तेरे पास, वीवो शॉप क्या है, वीवो या कुछ और का ही शॉप है, आईफोन, पीसी माने पर्सनल कंप्यूटर का बात कर रहा है. अच्छा उसका पीसी का शॉप. लेकिन अगर मैं मोबाइल में पूछूं कि सपोज मानो तुम्हारे पास अभी वीवो का फोन है लेकिन तुमको लग रहा है कि नहीं मेरे को रियलमी का चाहिए, या फिर रियलमी तो एक ही हो गया, क्या बोलते हो उसको, वन प्लस, हाँ थोड़ा बेहतर, मेरे को वन प्लस चाहिए. अब मानो तुमको वीवो के बाद वन प्लस मिल गया, वन प्लस मिलने के बाद तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि इससे भी बेहतर चाहिए, मेरे को आईफोन चाहिए. अब क्या ना एंड खत्म नहीं हो रहा सर, एंड खत्म नहीं होता. जैसे मेरे को याद है, हाँ एंड कभी खत्म नहीं होता. मैं जब छोटा था, मेरा जहाँ पर मेरा नेटिव है वहां पर हम लोग है ना पुराना एक टीना का घर, ठीक है अभी भी वो घर का कुछ हिस्सा है, नहीं अभी नहीं है पूरा पूरी, हाँ एक हिस्सा है अभी, ठीक है वो पूरा टीना मैंने समझते हो ना, जिसको टीन बोलते हैं हम लोग बंगाल में, टीन बोलते हैं, टीनर वाड़ी, मतलब उसका दीवार भी टीन है उसका छत भी टीन है. मेरा 15-16 साल उसी में गुजरा है. और टीन में ये जो अभी तो हीट देख रहे हो ना, तो इतना हीट होता है उसको डबल कर देता है. मैंने अगर 40 डिग्री है तो वो 80 डिग्री होगा ऑलमोस्ट. मैंने तुम उसके अंदर घुसोगे ना वो तुम भाप में ही एकदम क्या बोलते हैं उसको बॉइल्ड हो जाओगे. तो दिन के टाइम पे हम लोग घर पे नहीं रहते. मैंने जैसे मानो 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक घर पे घुसने का नाम ही नहीं. किसी को कुछ जरूरत भी होता था ना कौन घुसेगा अंदर, क्योंकि दीवार भी टीन है छत भी टीन है. और जिस दिन टेम्परेचर 43-44 टच करता है ऐसे अप्रैल मई में, मैंने घुसे मतलब हम लोग एक बड़गद का पेड़ था, वो क्या बोलते उसको बनियन ट्री, तो वो पेड़ हम लोगों का बचाता था, हम लोगों का पर्सनल ट्री था, बहुत बड़ा बड़गद का पेड़ ऐसे बड़ा होता है, बहुत पुराना था. तो हम लोग दिन रात वही उसी के नीचे रहते, खाना भी उधर रहना भी उधर, ठीक है. और किसी को भी बोलता था जाना बेटा घर से वो वाला चीज लेके आ, बोले भाई ते बोलता है तुम जाओ वो बोलता है तुम जाओ. अप्रैल में महीने में मैंने चालू हो जाता था हम लोग का नाटक, ठीक है, क्योंकि पता है कि गर्मी में कौन जाएगा, क्योंकि तुम एक सेकंड के लिए जाओगे ना तुम निकलोगे तो पूरा पसीना पसीना निकलोगे. और तुम अगर बाई चांस आधा घंटा बिताते हो पूरा, तो वो क्या बोलते हैं ना जैसे किसी को गर्म तावा में अगर सेंकते तो उसका जैसा हालत होता है वैसा हालत हो जाता है. मरेगा नहीं, आदत हो गया था, लेकिन नॉर्मल लोग तो मर ही जाएगा सर. जिसको मानो एसी में रहने का आदत है उसको अगर उसमें घुसा है वो चला जाएगा, उसका हार्ट बीट कहाँ चला जाएगा पता नहीं. चलो वो अलग बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो फिर माँ बचपन से पापा को बोलता है वही तो मैं बोल रहा हूँ बहुत भयंकर हालत होता है, रहना मुश्किल हो जाता है, सफोकेटिंग हो जाता है सर. एक तो पूरा तुम्हारे शरीर से पानी निकले मतलब पसीना पसीना होगा, ऊपर से जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है ना टेम्परेचर बढ़ने से. ऑक्सीजन देखो ना ऐसे थोड़ा सा हवा में सांस लेने में दिक्कत हो रही है गर्मी बढ़ने के कारण. तुम सोचो यही अगर एक टीना के घर में होता और दोपहर को 12 बजे या 2 बजे होता तो सोचो कि किस लेवल का प्रॉब्लम होता. नहीं सर, रात को टीना का एक स्पेशलिटी है, फिजिक्स में क्या बोलते हैं टीना रात को ठंडा हो जाता है, इवन बहुत फास्ट ठंडा हो. यही तो मैं बताने वाला था कि ऐसे दीवार का घर है ना मैंने हीट आ गया है इसमें तुम अगर बाहर से टच करोगे अभी भी इसमें हीट रहेगा, इवन रात को 12 बजे भी टच करोगे तब भी हीट है, लेकिन टीना शाम को 7 बजे ही ठंडा. नींद सुकून का आएगा जब जब तब ईटा वाले लोग ना छत पे जाने का सोचते हैं, हम लोग आराम से घर पे सोते. भगवान सब कुछ नहीं लेता है, कुछ ना कुछ दे भी देता है. तो मेरा माँ का बात था कि भाई हम लोग का भी घर होना चाहिए, तो घर होते होते बहुत बड़ा घर बन गया, ठीक है. अब पापा ने बहुत बड़ा घर बना दिया, हो गया सर, घर बन के भी 20 साल हो गया. 3,000-4,000 स्क्वायर फीट का घर, ग्राउंड फ्लोर अपर फ्लोर बैंक उसके ऊपर, अरे बहुत बड़ा, मतलब जो एक बंदा संभाल नहीं सकता. अब क्वेश्चन उठता है सर एक टाइम पे घर नहीं था, बाद में घर बना, लेकिन अभी भी नीड खत्म नहीं हो रहा है. अब घर पे लग्जरी, ये फर्नीचर चाहिए वो फर्नीचर चाहिए, ठीक है. अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बोला,
सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपको भी अपने हिसाब से मिलेगा। ये जो एंड वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सच में खत्म नहीं। मैं एक दिन माँ को बोल रहा हूँ, माँ छोड़ो ना, एक तो बचपन में घर नहीं था, अब इतना बड़ा घर है, रहो ना आराम से, शांति से रहो ना। अरे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, तुम उसके घर में जाओ, देखो उसका किचन कितना सुंदर है। हम लोग पहले तुम्हारा किचन तक नहीं था, तुम टीना में पसीना पसीना में खाना बनाते थे, अब तो तुम्हारा दीवार का घर है, छत है, पानी भी नहीं गिरेगा। अरे नहीं नहीं उसका बहुत अच्छा किचन है, हमको ऐसा किचन चाहिए। अब पापा के साथ माँ का झगड़ा होता तो माँ को समझा, बट कौन समझेगा। मैं बोलता था कि नॉर्मल बना लो, नहीं हमको ऐसा ही चाहिए। वो क्या बोलते उसको, मॉड्यूलर टाइप्स, बन गया मॉड्यूलर किचन। अब मॉड्यूलर के बाद क्या बनाएगा पता नहीं सर, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ये जो ह्यूमन बींग का जो नेचर है ना, यही नेचर इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम भी है, और इसी को सॉल्व करने के पीछे इकोनॉमिक्स मैंने भागता रहता है। अब क्या बोलते हैं, देखो इसका क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, ये लास्ट क्लास में बोला था कि एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, इट डज नॉट पास वैल्यू जजमेंट, एनीवन विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में यूज इट फॉर बाइंग लिकर और नॉट मिल्क। माने बेसिकली वो पॉजिटिव जजमेंट करता है, माने बेसिकली जो नशाड़ी होगा उसको तुम बोलेगा भाई दूध पी ले शरीर के लिए अच्छा है, वो दूध खरीदेगा कि लेकर खरीदेगा। नचाड़ी बोलेगा भाई दूध तो बिना नहीं है, दूध ना खेले हवे ना भालो चेले, नहीं सुना हा? लेकिन अब नचाड़ी को दूध से मतलब नहीं है, वो लेकर ही खरीद के लाएगा, क्योंकि उसको नशा जिसमें पेट भर, उसका नशा नहीं उसका पेट भरता है, तो फिर वो लेके आएगा। यहाँ पर बेनिफिट से नहीं जाएगा, वो पॉजिटिवली सोच रहा है। इट डज नॉट पास वैल्यू जजमेंट, Anyone with a limited amount of money may use it for buying liquor and not milk. ये economist का एक character है। तुम सोचो ना, तुम्हारे पास बहुत लोग limited लोग होते हैं, तुम्हारे पास पैसा रहने से, suppose तुम्हारे पास extra पैसा है, तुम पढ़ाई के लिए किताब खरीदोगे, coaching में अच्छा coaching में admission करोगे कि दोस्तों के साथ party करोगे, ज़्यादा पैसा रहने से। सर आप सोचो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके पास ज़्यादा होता है उसका क्यों नहीं होता? नहीं समझ में आ रहा है सर। जो बंदा घर पे नीड देखा है ना, देखो पढ़ाई करने के लिए नीड होना चाहिए, पापा को मेहनत करते देखता है दिन रात, माँ को मेहनत करते देखता है, वो बच्चा के मन में ना ऑटोमेटिकली नीड क्रिएट होगा कि भाई हमको भी कुछ बड़ा करना है, नहीं तो माँ पापा भी ऐसे कष्ट में है, मेरा भी कष्ट चलेगा और माँ पापा का भी कष्ट कभी दूर नहीं हो। ये चीज एक बच्चा को प्रेरित करता है कि मैं भी जिंदगी में कुछ अच्छा करूं। लेकिन मानो पापा अच्छा कमाते हैं लेकिन पापा बहुत उड़ाते भी हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा ना। और बच्चा तो पापा तो फिर भी कमा के उड़ाया, बच्चा तो बिना कमा के उड़ाएगा। बड़ा बाप का बिगड़ा हुआ हालत ऐसे ही तो दिखता है रास्ते में। हो सकता है इसमें से कोई आपका दोस्त भी हो जाए या फिर कोई रिलेटिव में भी दिख जाए, इतना भी बोलो सुनता नहीं है, नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि उसके पास पैसा है, वो चाहे तो उस पैसे को अच्छा काम पे यूज कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा। क्यों? वो वैल्यू जजमेंट नहीं देखता। ये तो फिर साइकोलॉजी हो गया सर, जैसा समझो, सब कनेक्टेड टॉपिक है। समझ में आ रहा है सर? इसलिए बोला कि देखो यहाँ पर अब क्या बोलता है, प्लान्ड इकोनॉमी एलोकेट रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अगर इकोनॉमिक प्लान्ड है तो वो सरकारी डिपार्टमेंट के थ्रू से रिसोर्स एलोकेट करेगा। प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइसेस, greater degree of consumer sovereignty, analysis of relationship between the price and quantity demand. इसको law of demand बोलते हैं। मैं start करूँगा आज law of demand, ठीक है? यानी basically अगर economy positive है तो वो plan करके चलता है। plan करके चलता है मैंने consumer sovereignty, मैंने consumer market में boss बनेगा, वो अपने मर्जी से market को चलाएगा, इस चीज के बारे में सोचता है। consumer sovereignty, sovereign माने जो स्वाधीन होते हैं उसको sovereign बोलते हैं। sovereign का मतलब क्या है? जो independent है, जो स्वाधीन है, that is called sovereignty. तो consumer sovereignty actually economist का positive, मतलब consumer अपनी इच्छा से सोचेगा, कोई उसको रोक नहीं लगाएगा। लेकिन एक दूसरा बात भी यहाँ पर बोला कि planned economy, वो research को government department के through से pass out करे, ताकि हर किसी के पास उसका benefit पहुंचे। लेकिन सर इसमें एक point था normative पर, जिसका ये question किया था। अब मैं आप directly भी normative बोल सकता था, लेकिन बिना पॉजिटिव को बताते हुए नॉर्मेटिव समझना मुश्किल होगा, इसलिए मैं पॉजिटिव को भी वापस बोल दिया। इट रिफर्स टू व्हाट ऑट टू बी और इट मेक्स एन
assessment of an activity and offers advice. It is based on welfare economics. Marshall and Pigo इसके बारे में बात किया है. बोलते हैं complete neutrality between aims is, however, neither feasible and not desirable. It is because in many matters the economist has to suggest measures for achieving certain socially desirable ends. It pass value judgment. माने normative concept basically value judgment के ऊपर depend करता है कि which is better. लीकर और दारू, सॉरी लीकर एंड दूध, है ना, एक दारू है एक दूध है. दारू इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, बट यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट नहीं, टेस्टी कौन सा है या मेरे को अच्छा शांति कौन देगा वो सोच रहा है. भाई दूध पी के तो वो वाला फीलिंग नहीं आएगा, पर दारू पी के आ सकता है, हमको दुनिया का राजा लगेगा हमको, है ना, तो वो सोच सकता है कि वो उसमें वैल्यू जजमेंट नहीं करता. नॉर्मेटिव बोलते हैं कि हम वैल्यू जजमेंट करेंगे. एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अब चलो कॉन्ट्रोवर्शियल बातें है पर फिर भी बोलता हूँ, मेरे हिसाब से अगर फैक्ट्री ना बना के, ये मेरा मानना है, नॉर्मेटिव वैसे बोल रहा हूँ सर, अगर फैक्ट्री ना बना के पॉल्यूशन वाला फैक्ट्री, मैंने जिसमें बहुत पॉल्यूशन होता हो, ऐसा पॉल्यूशन वाला फैक्ट्री ना बना के अगर मंदिर बना के इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो सकता है तो आई एम विद दी फेवर ऑफ मंदिर. क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि क्योंकि मंदिर बनने से वहां का स्पिरिचुअल वातावरण बनेगा, लोग शांति सोचेगा, लोग एक दूसरे को सम्मान करेगा, क्योंकि मंदिर वही सिखाता है, मंदिर आपको कंपैशन कराता है. कंपैशन माने उसको बोलते हैं हिंदी में, बोलते विनम्र, माने संस्कृत माने म्यूचुअल रिस्पेक्ट, माने वो माने कोई किसी को औकात पे बात नहीं करेगा, ऊंच नीच कुछ नहीं रहेगा. ठीक है, मंदिर का यही कॉन्सेप्ट है सर, ऊंच नीच कुछ नहीं रहेगा, सब एक दूसरे का सम्मान करेगा, ये मंदिर का कल्चर ही सिखाता है ना. कॉन्सेप्ट इज दैट कि सर मंदिर बनाना, फिर लोगों का मंदिर में जाना, फिर उसके ऊपर बेस करके लोगों का इकोनॉमी डेवलप होना, होटल में लोग रहेगा, चारों तरफ. अगर फैक्ट्री ना बना के मंदिर बनाया जाए, फैक्ट्री बनेगा तो पॉल्यूशन हो सकता है. मेरा मानना है कि अगर मंदिर बना के इकोनॉमी डेवलप हो सकता है, लोगों का इनकम सिमिलर काइंड ऑफ हो सकता है, तो फिर मंदिर बनाओ, फैक्ट्री छोड़ो. ऐसे एक इंडस्ट्रियल टाउन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री का जरूरत नहीं. मैं आपको एक चॉइस दे रहा हूँ, एक सिटी है सामने आसपास में, जैसे मैं ना दुर्गापुर सिटी, आसानसोल चले जाओ, आसानसोल आसपास में पड़ा, धनबाद चले जाओ, धनबाद आसानसोल बहुत पॉल्यूटेड है, हाईली पॉल्यूटेड सिटी है. गए हो कभी? अगर कभी अंदर घूमोगे तो पता चलेगा, लेकिन तुम पूरी जगन्नाथ चले या देवघर चले जाओ, पूरी जगन्नाथ चले जाओ या देवघर चले जाओ, वो भी दोनों टाउन है. आपको आसनसोल भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है और पूरी जगन्नाथ या देवघर एक स्पिरिचुअल सिटी है. आपको वहां पर जाके अच्छा लगता है, आसनसोल जाके अच्छा नहीं लगेगा. तो माय पॉइंट इज दैट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिर आसनसोल जैसा शहर नहीं होना चाहिए. मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास चॉइस है और आपको दोनों में से एक को चूज करना है और दोनों में ही इकोनॉमी डेवलप हो सकता है, तो आप किसे चूज करोगे? दैट्स द पॉइंट. बात समझ में आ रहा है सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं नहीं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये वैल्यू जजमेंट पे बात कर रहा है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स. आप सोचो ना, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, अच्छा वेलफेयर किस चीज से होता है? सिर्फ पैसे से वेलफेयर होता है. मानो इंडस्ट्री बनेगा, घर घर में लोगों का पैसा होगा, लोग काम करेगा, लेकिन वो इंडस्ट्री जितना पॉल्यूशन करता है उसमें जो इनकम करोगे उसका आधा पैसा डॉक्टर के पास जाएगा, तो क्या फायदा ऐसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का? आप लोगों को पता है भोपाल में क्या हुआ था? भोपाल गैस लीक. हाँ सर, भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत भयंकर, एक अनपॉपुलर कॉन्सेप्ट है, पॉपुलर अनफेमस कॉन्सेप्ट है. बहुत लोगों का मौत हुआ था, अभी भी वहां पर अपांग अपाहिज पैदा होता है मध्य प्रदेश में. क्यों? कार्बाइड का फैक्ट्री सिटी के अंदर बना दिया सर, कांग्रेस गवर्नमेंट ऑन दैट टाइम विद दी कनेक्शन ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट. अमेरिका ने कार्बाइड का फैक्ट्री इंडिया में भोपाल सिटी में बना दिया. सिटी में कभी भी कार्बाइड जैसा फैक्ट्री नहीं बनाना चाहिए, ये सिंपल एक लॉजिक है, क्योंकि कार्बाइड हाईली टॉक्सिक एक गैस होता है सर, मैंने फॉर्मूला होता है, उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों में यूज किया जाता है, लेकिन तुम एक भरा भरा सिटी के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी वो लीक होगा ना और जिसके अंदर जाएगा वो दम घुट के मर,
और वही हुआ था। तो ना पॉइंट की पॉइंट इज व्हाट पॉइंट ये कि लेकिन सर कार्बाइड फैक्ट्री में काफी लोग काम करता था, लोग का पैसा हो रहा था, भोपाल का इकोनॉमी डेवलप हो रहा था, लेकिन अभी क्या हालत हुआ बाद में 1984 का बाद है सर 1984 भोपाल का गैस लीक अल्टीमेटली उस एरिया का पूरा इकोनॉमी को तहस नहस कर, जो पैसा कमाया था वो तो गया, कितने लोग मरा आपको क्या बताऊं। रिसेंटली एक वेब सीरीज बना है, चाहो तो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, ट्रेन मैन बोल, ट्रेन मैन, हाँ ट्रेन मैन मोस्ट प्रॉब्लम इसका है, वो साउथ का बड़ा फेमस था, अभी बॉलीवुड में भी काम किया। रिसेंटली एक मूवी में विलेन बना है, वो शैतान मूवी में विलेन बना है, क्या नाम है, आर माधवन शैतान मूवी में विलेन बना है, वो उसी का है, ट्रेन मैन को देखना सर, वो भी देख सकते, मैंने वो नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज है, वो भोपाल गैस लीक को पूरा बताया किस तरह से क्या हुआ नहीं। सो व्हाट इज माय पॉइंट, मेरा पॉइंट ये नॉर्मेटिव क्या कहता है कि भाई अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में वेलफेयर नहीं है तो फिर वो डेवलपमेंट का कोई मतलब। मैंने भाई जैसे देखो आज केजरीवाल साहब जेल में है दिल्ली में, केजरीवाल साहब दिल्ली में है ना जेल में, किस कारण में जेल में है, लीकर स्कैम के कारण, दारू का दुकान का बढ़ावा करने के लिए, मैंने और लीकर शॉप दिल्ली में बढ़े, या फिर लीकर शॉप इज लाइक अ शॉपिंग मॉल की तरह बन जाए, शॉपिंग मॉल टाइप है लीकर मॉल बनेगा, इसके लिए बहुत सारे साउथ इंडियन बिजनेस मैन ने उनको पैसा दिया और उन्होंने उनसे पैसा लिया, ये उनके ऊपर एलिगेशन, इसको साउथ लॉबी बोल रहे हैं कि साउथ लॉबी से साउथ इंडियन कुछ पॉलिटिशियंस, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इस तरह का तमिलनाडु कहीं ना कहीं का है, ये लोग पैसा दिया अपना, केजरीवाल साहब उसको एक्सेप्ट किया या उनका पार्टी ने एक्सेप्ट किया और उसके लिए उन्होंने बिल पास किया दिल्ली विधानसभा में, फिर कुछ दिन बाद बिल को हटा दिया, पैसा लेके पार्टी फंड में गया या पर्सनल घर में गया, 100 करोड़ का क्लेम है, एलिगेशन लगा है, प्रूफ जब तक नहीं होता मैं उनको चोर नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन ये एलिगेशन है, कोर्ट ने भी इस चीज में कुछ ना कुछ पाया है, तब कोर्ट ने उनको जेल में डाला। नाउ मेरा क्वेश्चन है कि फिर मैं बोल रहा हूँ कि पैसा कमाने के लिए केजरीवाल साहब को सिर्फ लीकर ही दिखा, और भी तो कुछ देख सकता था, डोंट टेक मी इन अदरवाइज, मैं बोल रहा हूँ कि उनके पास भी तो चॉइस था, मैं मानता हूँ कि लीकर में जल्दी पैसा मिल सकता हूँ, लेकिन अगर वो थोड़ा सा दूसरे चीज में पैसा, क्योंकि वेलफेयर करने के लिए लीकर इज नॉट अ गुड थिंग, लीकर में मनी बन सकता है लेकिन वेलफेयर तो नहीं बन सकता, वो अल्टीमेटली दिल्ली के लिए ही सोच के कर रहा था, वो दिल्ली को प्यार करता है, दिल्ली का सीएम है, दिल्ली का डेवलपमेंट चाहता है, नो डाउट, बट सर ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहिए या कि शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट करना चाहिए, ओवरऑल ना जो जिंदगी भर के लिए काम है, वो शॉर्ट टर्म एक डेवलपमेंट दिखा के सिर्फ वोट जीतने की राजनीति करके क्या फायदा, चाहे कोई भी करे, देखो एलिगेशन तो लगा है, अब अगर प्रूफ होता है तो जेल तो जाएगा, अगर प्रूफ नहीं होता है तो बाइज्जत वली करेगा, और अगर बाइज्जत वली होता है तो अगला और 10 साल दिल्ली का सीएम बनेगा, हाँ क्योंकि तब तो बीजेपी पे और लोग गाली मारेगा, अब देखो क्या होता है, कौन सही होता है कौन नहीं, अब मैं तो नहीं बोलूंगा, मेरे को कुछ कुछ आभास तो होता है वो अलग बात है, लेकिन समय बताएगा, कोर्ट बताएगा मैं कौन होता हूँ। सर नॉर्मेटिव साइंस समझ में आ रहा है सर, ये बेसिकली वेलफेयर में काम करे, तो एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, माने पैसा बनाने के चक्कर में, जैसे अगर मैं आपको करंट गवर्नमेंट का बात करूं, बीजेपी का, चलो नहीं तो बोलेगा हमेशा बीजेपी का तरफदारी करता है और बाकी लोगों का कुछ नहीं, सुनो करंट बीजेपी गवर्नमेंट में देश का इकोनॉमी में पैसा का माने काफी फ्लो हुआ है, लेकिन रिच और रिच हो रहा है, रिच बिकम मोर रिच, ये चीज हो रहा है, माने कहीं ना कहीं अदानी अंबानी इन लोगों को थोड़ा ज्यादा ही फेवर हो रहा है, लेकिन इस चीज में चेंज लाना चाहिए, कैसे चेंज लाना चाहिए, जो बेनिफिट अदानी अंबानी को जा रहा है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज नॉर्मल लोगों के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली होना चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर इनइक्वलिटी रिड्यूस होगा। मोदी जी का सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से कि देश में जो इनइक्वलिटी है ना, किसी के पास बहुत पैसा किसी के पास कम पैसा, ये चीज का दूर होना चाहिए,
तब जाके एक डेवलप इंडिया बन सकता है। मोदी जी का ऐसे टारगेट बोला है कि 2047 में कि एक डेवलप या विकसित भारत बनाना चाहता है, चैलेंज है उनका। तो मुझे नहीं पता कि ये मोदी जी कैसे करेंगे, ये तो इकोनॉमिक पॉलिसी बताएगा, बट देखना ये चीज है सर कि ऑब्वियसली बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास पैसा जाना चाहिए क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक सोल्यूशन है, वो जॉब क्रिएट कर सकता है। लेकिन नंबर ऑफ जॉब क्रिएटिंग पर्सन जितना नहीं बनेगा, ज्यादा बनेगा तब जाके मार्केट में और भी जॉब क्रिएट हो। मैंने एक अदानी अंबानी से नहीं चलेगा, ऐसे कम से कम 1000 अदानी अंबानी चले, क्योंकि हर घर से एक बिजनेसमैन क्रिएट होगा तो कम से कम वो और 10 लोगों को काम दे सकता है, तब जाके एक विकसित भारत वो बना सकता है। और ये जो जॉब क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दूर हो, समझ में आ रहा है सर? तो इसी चीज पे नॉर्मेटिव साइंस का बात हो रहा है सर, कि इसका मेन प्रायोरिटी क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी द मेजर प्रायोरिटी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें कैपिटलिज्म भी होता है और इसमें सोशलिज्म भी होता है। सोशलिज्म मतलब सरकार के हाथ में कंट्रोल है, सरकार डिसाइड करेगा कि कहाँ कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा नहीं जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट राशन के थ्रू से लोगों को पब्लिक राशन देता है, राशन होता है ना सर, जहाँ पर तुमको सरकारी दाम पे केरोसिन मिलता है, चावल मिलता है, चीनी मिलता है, आटा मिलता है सरकारी दाम पे, तो वो सरकारी कंट्रोल में है। लेकिन देश में ये सिस्टम भी चलता है कि अगर किसी के पास पैसा है और वो अपने मर्जी से कोई बिजनेस चला सकता है, कंपनी खोल सकता है, उसका भी लिबर्टी है। जैसे अमेरिका जैसा कंट्री कंप्लीट लिबरल कंट्री, लिबरल का मतलब कि वहां पर जिसके पास पैसा है वो अपनी मर्जी से बिजनेस बना सकता है, उसका दाम भी वो खुद ही डिसाइड कर सकता है, गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं कर, क्या दाम होगा क्या नहीं होगा वो मार्केट डिमांड सप्लाई डिसाइड करेगा, सरकार उसमें माथा नहीं लगा। लेकिन इंडिया में ऐसा पूरा पूरी नहीं, इंडिया में बहुत सारा चीज ऐसा भी होता है जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल करके बोलता है कि भाई तुम इससे ज्यादा दाम नहीं ले सकते। लेकिन दूसरा एक साइड भी है जहां पर पूरा लिबर्टी देके रखा है कि हाँ भाई आप अपने हिसाब से बिजनेस करो, अपना दाम लगाओ, मैं कुछ, क्यों? क्योंकि इंडिया की मिक्स कॉन्सेप्ट का इकोनॉमी है जहां पर गरीब भी रहते हैं, रिच भी रहते हैं, और गरीब और मिडिल क्लास का संख्या ज्यादा है। तो इंडिया का पॉलिसी कभी भी अमेरिकन पॉलिसी की तरह नहीं हो सकता। देश चलाने का सिस्टम डिपेंड करता है उस देश का जनता, उस देश का इकोनॉमिक कंडीशन, उस देश का लोगों का बने जीने का तरीका, वो सब चीज, पॉपुलेशन मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैंने पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। चाइना एंड रशिया जैसा कंट्री प्योरली सोशलिज्म पे चलता है, वहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि पब्लिक क्या करेगा, यानी पब्लिक के कौन से फंड में क्या पैसा जाएगा, किस चीज में पैसा लगाना है, किस चीज में पैसा नहीं लगाना है, ये सारा गवर्नमेंट डिसाइड करता है। चाइना में तो इंडिपेंडेंस ही नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से बिजनेस करो, इवन तुम स्कूल में स्पोर्ट्स तक अपने मर्जी से चूज नहीं कर सकते। चाइना हर साल ओलंपिक में बहुत मेडल लाता है, देखा आप लोगों ने, लेकिन अमेरिका उससे ज्यादा लाता है। अब चाइना जो मेडल लाता है ओलंपिक में, वो चाइना में क्या कॉन्सेप्ट है, तुम स्कूल में भर्ती हो, मान तुमको जिमनास्ट नहीं करना है लेकिन फिर भी तुमको जिमनास्ट करना है, क्यों? क्योंकि देश का नेशनल ओलंपिक का प्राइड है। लेकिन इंडिया में ऐसा है क्या, तुमको चूज करने में कोई किसी कुछ नहीं बोलता, तुम जो भी मर्जी करो, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेलो, जिमनास्ट करना है जिमनास्ट करो, अपने मर्जी से जी। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर तुमको स्कूल में बोल देगा भाई यही करना है, तुम नहीं चूज कर सकते, नहीं मेरे को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, नहीं ड्राइंग कर सकते हो लेकिन तुमको ये करना है। नॉर्थ कोरिया किम जोंग, वहां पर तो तुम अगर मानो ऐसे मीटिंग चल रहा है मानो, और मानो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मानो कि मैं किम जोंग, और तुम तेरा मान की थोड़ा सा ऐसे पलक ऐसा हो गया, मैंने थोड़ा नींद लग गया, गोली मार ली, मेरा मर्जी, तुम क्या करो मीटिंग में, सरकारी मीटिंग में तुम सो रहे हो, गोली मार, हाँ वो लोग कुछ भी करता है, किम जोंग को सब डरता है ना। नॉर्थ कोरिया का अलग ही कल्चर है, साउथ कोरिया ऐसा नहीं है, योर डेमोक्रेसी है, साउथ कोरिया पूरा उल्टा है इसका, इसलिए साउथ कोरिया का डेवलपमेंट देखो नॉर्थ कोरिया का डेवलपमेंट, नॉर्थ कोरिया बस लोग वहां पर डरता है कांपता है, कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है, डेवलपमेंट शायद हमसे बेहतर है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट का भी क्या फायदा जिसमें ह्यूमन वेलफेयर ना हो, इंसान अगर स्वाधीन तरीके से जी नहीं सकता ऐसा वेलफेयर करके क्या फायदा। चाइना भी कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है सर, सेम काइंड ऑफ, लेकिन हाँ क्योंकि चाइना थोड़ा ब्रॉड पैरामीटर में करता है
नॉर्थ कोरिया छोटा कंट्री है ना, स्मॉल कंट्री है, नॉर्थ चाइना तो बहुत बड़ा कंट्री है, दो इंडिया के समान है, पॉपुलेशन भी हाई है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंट्री चलाने का अलग अलग तरीका होता है। अब हमारा देश मिक्स में से चलता है तो वही बोलते हैं कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी मेजर प्रायोरिटी, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। माने मेरे हिसाब से अगर देश बनेगा, जैसे मानो मैं जिस एरिया में भी बैठा हूँ, ये केशवपुर है, ये भी विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है, सॉल्ट लेक भी विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है, लेकिन सॉल्ट लेक मैंने जो कैनल के उस पर है, दैट इज ऑल्सो बीएमसी सेम कॉर्पोरेशन, केशवपुर ये भी सेम कॉर्पोरेशन, लेकिन यहाँ का जो सिविक बेनिफिट है या सिविक फैसिलिटीज है उससे सॉल्ट लेक का बेनिफिट बेहतर है, ये क्यों होगा? ये क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। एक बेहतर इकोनॉमी का रोल मॉडल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक जगह को इक्वल काइंड ऑफ बेनिफिट देना पड़ेगा, तब जाके एक इनइक्वल, इनइक्वल माने क्या? समानता, अरे भेदाभेद नहीं होना चाहिए, उसको रिड्यूस करना है। इनइक्वलिटी माने भेदाभेद, डिफरेंसेस इज देयर। इसके बगल में और एक है, उसके इसके बीच में और एक कैनल है उस साइड में, उस कैनल के उस पर एक बस्ती एरिया टाइप का है, नॉट प्रॉपर बस्ती बट इट्स अ वेरी हाईली क्राउडेड एरिया, वहां पर तो बेसिक फैसिलिटीज एमिनिटीज जो नागरिक सुविधा सिटीजन सुविधा होना चाहिए वो नहीं है, जगतपुर बोल के गिरी है, तो वो तो और खराब हालत है। तो ये डिफरेंस क्यों रहेगा? एक सॉल्ट लेक केशवपुर और जगतपुर में डिफरेंस दिखता है, ऐसे पूरे भारत में आपको हर जगह में दिखेगा कम बेस, बट दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इज नॉट अ गुड साइन ऑफ गुड इकोनॉमिक कंडीशन। ये इनइक्वालिटी जितना रिड्यूस होगा वही एक नॉर्मेटिव साइंस का ऑब्जेक्टिव है। आप लोग समझ पा रहे हो सर? मैं तो बहुत कुछ बोलता रहता हूँ एक साथ, पता नहीं कौन कितना समझ रहा है। समझ रहे हो ना सर? चेंजिंग द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इज बेटर वे ऑफ मैनेजिंग द इकोनॉमी देन यूजिंग टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार लोगों से टैक्स ज्यादा लेके अगर देश चलाने का कोशिश करता है, या फिर सरकार ज्यादा खर्चा करके देश चलाने का कोशिश करता है, उससे बेहतर है कि तुम इंटरेस्ट रेट को चेंज करो। माने तुम पब्लिक को कम सस्ता रेट में या महंगा रेट में सूद दो, लोग उसको पैसा को उठाए और फिर अपने मर्जी से उसको यूज करे और फिर उसको रिटर्न भी करे, वजह कि आप ये ना करो कि मेरे को पैसे का जरूरत है टैक्स बढ़ा देते। टैक्स बट माने जरूरत से ज्यादा टैक्स बढ़ाना पब्लिक के लिए बर्डन है सर, ये अच्छा चीज नहीं है। वो भी भेदाभेद हो गया, इट डिफरेंसेस हो गया। इंटरेस्ट रेट चेंज करते रहो एज पर द इकोनॉमिक नीड, कभी बढ़ा दो कभी घटा दो। जो लोग मॉनेटरी पॉलिसी का क्लास किया उनको पता है कि क्यों मॉनेटरी पॉलिसी में कभी रेट बढ़ा देता है रेपो रेट, कभी रेपो रेट क्यों गिरा देता है। जो लोग किया उनको पता है, जो नहीं किया जब बाद में मैं कराऊंगा तब कर लेना। सो ये बहुत बेहतर कंडीशन है कॉम्पिटेटिवली। एक्चुअली इसको बोलते हैं जब टैक्स के थ्रू से सरकारी खर्चा को, जैसे खर्चा एक्सपेंडिचर ज्यादा करके, जैसे मानो गवर्नमेंट बोल रहे कि मैं तुम्हारे लिए पार्क बना के दूंगा। सुनना सर बात, जैसे अभी कोलकाता में न्यूटाउन में एक बड़ा पार्क है, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट जाओगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्क मिलेगा, इको पार्क, इंडिया का लार्जेस्ट पार्क है और वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्क में काउंट होता है, एशिया का इको पार्क ममता दीदी ने बना के दिया। लेकिन सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक एंगल से बोल, अगर ये इको पार्क ना बना के उसमें अगर पब्लिक अपने मर्जी से एक बेसिक फॉरेस्ट्री करता, बेसिक फॉरेस्ट्री पब्लिक अपनी इच्छा से, गाछ पेड़ पौधा होता, एक वाटर बॉडी से उसको भी लोग मेंटेन करता, एक सड़क होता उसको लोग नॉर्मल साफ सफाई करता, सरकार को कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। ये जो करोड़ों का खर्चा करके इको पार्क बनाया ना, ऐसा कुछ ना भी करता तो भी वो जगह ब्यूटीफाई हो सकता, और इससे वो जो खर्चा जिसमें कम से कम 100 करोड़ लगाया गया या 20-50 करोड़ लगाया गया, उस पैसे से देश का दूसरा डेवलपमेंट हो सकता था। मेरे हिसाब से जिस देश में अभी भी गरीबी ना मिटा हो, जिस देश में अभी भी इनइक्वालिटीज हो, वहां पर इको पार्क एक लग्जरी है। नहीं, इको पार्क में जाना एफोर्ड कर सकता है, 20-30 रुपीज का टिकट है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इको पार्क से भी गवर्नमेंट को अर्निंग होता है, दैट एंगल से इट्स ओके। बट मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका नीड कुछ और है, जैसे मानो अगर अभी भी बंगाल के आप कुछ कुछ एरिया में जाओगे जहां पर, क्योंकि वो सरकारी खर्चा से बना है, राम मंदिर सरकारी खर्चा से नहीं बना है, राम मंदिर पब्लिक डोनेशन से बना है,
इको पार्क सरकार के खर्चा से बनाए, हम लोगों ने जो टैक्स दिया पश्चिम बंगाल सरकार को, उस टैक्स के पैसे से इको पार्क बनाया गया। वहां से सरकार को इनकम होता है, इको पार्क से अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब इको पार्क बन रहा था उस टाइम पे प्रायोरिटी कुछ और भी हो सकता था। से फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया में अभी भी गाँव साइड में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है, जहां पर अभी भी मानो कोलकाता में ही तुम देख लो ना कितने सारे एरिया है जहां पर प्रॉपर बेसिक सिविक एबिलिटीज नहीं है, वो सब काम सरकार कर सकता था। लेकिन सरकार ने आई वॉश करने के लिए इको पार्क बना दिया, लोग इको पार्क से खुश है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं चाहिए। गर्मी के टाइम पे लोग इलेक्ट्रिसिटी से मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश के टाइम पे पानी जम जम के रास्ता ब्लॉक हो जाए फर्क नहीं पड़ता। कितना पॉकेट है कोलकाता में जहां बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर? तो बेसिकली ये प्रायोरिटी है। अच्छा चलो, अब सिर्फ ममता दीदी का, अभी वंदे भारत एक्सप्रेस बना है, नॉर्मल ट्रेन अभी भी प्रॉपर नहीं चल रहा है, उसमें एक्सीडेंट हो रहा है, वंदे भारत बनाने का क्या जरूरत है? नॉर्मेटिव साइंस ऐसा बात करता है कि पहले तो बेसिक चीजों को सबके लिए इक्वल बनाओ फिर डेवलपमेंट करो। समझ में आ रहा है सर? लेकिन थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। अरे एक सारा पैसा एक ही जगह में घुसा दो, बाकी जगह को एकदम तुम एकदम अंधेरे में रख देते हो, कोई मतलब नहीं। तो वही है, चेंजिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमी। सेमी बुलेट है, आई एम नॉट अगेंस्ट वंदे भारत। मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो, मैं इको पार्क के भी अगेंस्ट में नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन जब देखो सर, तुम लोग शायद कोलकाता के बाहर सब जगह देखा नहीं, मैंने देखा। मैं खुद भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं गांव देखा, पश्चिम बंगाल का गांव देखा, दूसरे स्टेट का भी मैं गांव देखा, इवन शहर का भी, अंदर भी बहुत सारा पॉकेट है जहां पर बेसिक फैसिलिटीज एमिनिटीज जो सिविक एमिनिटीज होना चाहिए नहीं है। तो सरकार का खर्चा का प्रायोरिटी बेसिक फैसिलिटीज एमिनिटीज पे पहले होना चाहिए, बाद में ये सब करना चाहिए। ये नॉर्मेटिव साइंस ही बोल रहा है, इकोनॉमिक्स का नॉर्मेटिव सॉल्यूशंस बोल रहा है। गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट फार्मर्स इनकम विल नॉट फॉल इन हार्वेस्ट इन इज पोर। मैंने सरकार को ये चीज देखना चाहिए कि किसान का इनकम ना गिरे, उल्टा उसका इनकम बढ़ते जाए। नॉर्मेटिव साइंस, अरे नॉर्मेटिव साइंस का मतलब यही है कि वो हमेशा प्रायोरिटी पे बात करेगा। प्रॉब्लम स्कार्सिटी में अभाव तो है, पर उस अभाव में भी जैसे एक फैमिली नहीं सोचता है। आप सोचो ना, आप एक देश के बारे में सोच रहे हो तो आपको थोड़ा टफ लग रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि मानो आपका एक मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो, ठीक है? ऐसे मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट मेरे यहाँ पर मिडिल क्लास ही है, एक आध केस में कोई रिच फैमिली हो सकता है। तो मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे का प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? मेहनत करके जिंदगी में कुछ करना, ना कि दोस्तों के साथ पार्टी करना। ऐसा क्या पार्टी करना बुरा चीज है? मैं तो बोलता हूँ ठीक है, अगर उसमें भी तुमको चैन की शांति मिलता है तो करो, लेकिन अगर तुम्हारे घर पे माँ बाप इतना मेहनत कर रहा है, दिन रात पसीना बहा रहा है, तुमको पार्टी शोभा नहीं देता, तुम दोस्तों के साथ दो मिनट बात बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो बार में जाके मस्ती करना ये शायद तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप उस टाइम पे धूप में काम कर रहे हैं। नहीं समझे बात मेरा? मैं थोड़ा सा शायद इधर लगा देता हूँ कभी कभी, ठीक है? लेकिन इट्स अ हार्डकोर ट्रूथ, इतना फीलिंग तो होना चाहिए। अब सेम जैसे एक फैमिली के अंदर प्रायोरिटी होता है, वैसे देश के अंदर भी प्रायोरिटी होता है। तो बस वही बात करते हैं। देखो सर, ये सब बात ना फिलोसॉफिकल बातें हैं, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, फिलोसॉफी भी है। तो अपने देश को डेवलप करने के लिए कितना दूर का सोच रहे हो? ये सब बात हुआ था लास्ट क्लास में, हुआ था, तुमने पूछ लिया, तुम्हें फिर से बता दिए। ये सब जवाब एक लाइन में नहीं दे सकता सर, क्योंकि एक लाइन में समझने वाला जवाब है ही नहीं। एक लाइन में अगर मैं बोलता आपको, तो चलो आपको एक बता दूं कि जैसे माना एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव साइंस में बोला है कि चेंज इन लेवल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेवल को चेंज नहीं करना चाहिए। मानो कि इसने मेरे को पूछा, मैं जवाब दे दूं कि इंटरेस्ट लेवल को चेंज नहीं करना चाहिए, और सरकार को टैक्स कलेक्ट करना नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट खर्चा भी कम करना चाहिए, और इंटरेस्ट लेवल को चेंज करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए। यही है नॉर्मेटिव साइंस। इस बंदे ने घाट हिला दिया, क्या समझ में आया? क्या समझे? इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करना है, सरकार को टैक्स कलेक्ट करके ज्यादा टैक्स में बार्डन नहीं करना चाहिए, और ज्यादा एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं करना चाहिए। तुमको क्या समझ में इसमें नॉर्मेटिव साइंस क्या है? तुमने घाट हिला दिया। हाँ सर ठीक, लेकिन इतना देर से मैंने जो जो स्टोरी आपको बोला उसमें आप बिल्कुल समझ गए कि ये क्या कहना चाहता है। ये लाइन नहीं है, लाइफ है।
सरकार का डिसीजन है, देश चलाने का तरीका है, स्टेट चलाने का तरीका है, घर चलाने का तरीका है, कंपनी चलाने का तरीका है, अल्टीमेटली पैसा कमाने का ही सिस्टम है ना, जो भी देश इकोनॉमी को चला नहीं पाता। पाकिस्तान का हालत तो सुना ही होंगे, सुना है कि नहीं सुना? श्रीलंका का हालत सुने होंगे। अब पाकिस्तान को तुम सोचो, लोग लाइन लगा के 150 टका के चीज आटा खरीद रहा है, ये लोग मिसाइल टेस्टिंग में पैसा खर्चा कर, एक के जी आटा हम लोग 40 टका में खरीदते, वो लोग 150 टका में खरीद रहे हैं। पेट्रोल हम लोग 100 रुपए में खरीदते हैं, वो लोग 300 टका में पेट्रोल खरीद रहे हैं। और पाकिस्तान चला मिसाइल टेस्ट करने, और मिसाइल टेस्ट करने के लिए 300 एरोप्लेन को रोक के रखा उसका, ताकि उनको फ्यूल मिल जाए, क्योंकि मिसाइल टेस्ट करने के लिए फ्यूल चाहिए ना, तो फ्लाइट उड़ाना बंद कर दिया 10 दिन से। क्या मतलब? उनको डर है कि इंडिया उनको अटैक करेगा। भाई हम किसी को अटैक करने के लिए पैदा नहीं हुए, यही तो प्रॉब्लम है भारतीय सोच और दूसरे काइंड ऑफ सोच में। हमारा कभी भी इरादा नहीं है किसी को मारे मुड़े, ऐसा कोई भी इरादा नहीं रहता है, लेकिन आजकल ये करना पड़ेगा। क्यों? तुम चुप रहोगे ना, सब तुम्हारे ऊपर चढ़ के बैठे, बोलते कि अगर कोई तुमको उल्टा सीधा बोलते रहे, उसको मारना नहीं मारना अलग बात है, पर थोड़ा सांप की तरह ना फन निकाला कर, मारना नहीं मारना बाद में, लेकिन ऐसे बोलते बंगाली में बोलते हैं फोर्स तो करते हो, मैं थोड़ा सा तुमको ऐसे खड़ा तो होना है, नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए। पहले तो ही किया है, पाकिस्तान को पीओके कैसे मिल गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कैसे मिल गया, नेहरू जी चुप रहा, वो लोग कश्मीर ले लिया, और नेहरू जी यहाँ हमारे इंडियन आर्मी बोल रहे कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग विनिंग पोजिशन पे थे पूरा पूरी, इसी का मतलब कश्मीर हमारे रह गया ना, नहीं तो पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान ले जाता। और नेहरू जी सीज फायर कर दिया, सीज फायर मैंने यूथ को रोक दिया, आर्मी को बोला चुप हो जाओ, और फिर बोला कि हम लोग इस बात को वॉर से नहीं यूनाइटेड नेशंस पे लेके जाएं, मैंने संयुक्त लेके चला गया, तो तभी तो अभी भी पाकिस्तान के हाथ में ही है। आप समझ रहे हो ना, अगर उस टाइम पे वो लोग ये गलती ना करते नेहरू जी, तो आज कश्मीर वाला इश्यूज नहीं होता, और अगर कश्मीर वाला इश्यूज नहीं होता, आज पीओके इंडिया का होता, तो भारत का जो टोटल डिफेंस बजट है सारा का सारा पैसा तो कश्मीर में जाता है, तो वो पैसा शायद कश्मीर की जगह बिहार में आ जाता, बिहार का डेवलपमेंट हो जाता, झारखंड का डेवलपमेंट हो जाता, बंगाल का डेवलपमेंट हो जाता, पूरा पैसा कश्मीर में प्रोडक्शन देने पर ना जाता। सोचा करो, बात कश्मीर का मुद्दा नहीं है, बात पैसा का है। आप लोग तो सोच रहे सारा पैसा कश्मीर में ही पूरा हो जाता है, इतना कोई मतलब नहीं है डिफेंस में, नहीं करोगे तो चाइना खा लेगा तुमको, पाकिस्तान खा लेगा तुमको। अच्छा, उससे बचने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, वो खर्चा अगर ना होता, सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी से ही काम चल जाता, जैसे बांग्लादेश में चलता है बीएसएफ, बांग्लादेश के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीएसएफ से काम चल जाता है, बस 2-4 को खड़ा कर दो, बॉर्डर है भाई, जाओ तो पासपोर्ट दिखाओ, आओ तो पासपोर्ट दिखाओ, काम खत्म। अगर कश्मीर में भी ऐसा ही होता, तो फिर पूरा जो भारत का खर्चा है उसका कितना खर्चा दूसरे स्टेट के डेवलपमेंट में लगता, इमेजिन। आप समझ पा रहे हो कुछ? इसलिए सोचो, बड़ा बड़ा सोचोगे तो बड़ा समझ पाओ। चलो ठीक है सर, एक सवाल करते हैं, आप 10 जवाब देते हो। तो इस सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में बात हुआ था सर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी बता दिया कि भाई क्या करना चाहिए। अच्छा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस में आपको एक चीज समझना चाहिए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए करना है, कौन सा पब्लिक, यूथ को टारगेट करें कि बूढ़े लोग, ऑब्वियसली यूथ को टारगेट करते हैं, किसके लिए प्रोडक्शन करें, सोसाइटी के किस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, लड़की लोगों के लिए कि लड़का लोगों के लिए। अब सरकार अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोजेक्ट लाता है, किसी ना किसी को फायदा होता है ना, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एंड सबसे बड़ी बात, जैसे कि हाउ टू प्रोड्यूस में एक दो इंपॉर्टेंट बात आता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। इसको ऐसे समझो कि माँ जब घर पे खाना बनाते हैं तो गैस, गैस के चूल्हा में बनाए कि माइक्रो ओवन में बनाए, कि वो पुराने जमाने में चलता था ना, क्या बोलते उसको, मिट्टी का चूल्हा, उन्होंने है ना, उन्होंने बनाया मिट्टी का चूल्हा में बनाया,
तो मिट्टी का चूल्हा बनाने में खर्चा कम रहेगा, लेकिन पोल्यूशन हो सकता है, लेकिन गैस पे चूल्हा में महंगा होता है ना, तो ये चीज का ध्यान रखता है। और लेबर इंटेंसिव माने कोई भी काम करवाने के लिए ज्यादातर लेबर काम करे कि कैपिटल इंटेंसिव माने मशीन काम करे। मशीन काम करेगा तो काम जल्दी होगा लेकिन खर्चा ज्यादा होगा, लेबर काम करेगा तो काम स्लो होगा लेकिन बहुत लोगों को नौकरी मिलेगी। तो सरकार को सोचना पड़ता है कि भाई हम कौन सा हाउ टू प्रोड्यूस में क्या करें। और इंडिया इंडिया भी मिक्स करता है, इंडिया भी मिक्स करता है, थोड़ा लेबर भी लेते हैं थोड़ा मशीन भी लेते हैं, क्योंकि इंडिया को पता चल गया लेबर को काम देने के चक्कर में एक काम जो 2 साल में हो सकता है उसको अगर तुम 20 साल तक खींचोगे तो मुश्किल हो जाएगा। मशीन जो काम 2 साल में बना के दे सकता है, और एक बार रोड बन जाए तो दूसरा काइंड ऑफ जॉब क्रिएट हो सकता है। एक बार रोड बन जाएगा तो जॉब का लेवल बदल जाएगा। लेकिन फिर भी एक मशीन का खर्चा तो ज्यादा ही होता है, मशीन खरीदना है, फिर मशीन का एक रेंट होता है, लेबर जो काम तुम सोचो ना कि तुम कोई भी जगह चीज मशीन से करवाओ और वही काम तुम दो लेबर से करो, और इंडिया में तो लेबर सस्ता में मिलता है, क्योंकि कोई भी रास्ता बनाने के लिए मानो बोल रहे कि ईटा ठोकना है, ईटा को ठोक ठोक के पतला करना है और रास्ते पे बिछाना है। तुम अभी बोलो कि काम है डेली का 200-300 मिलेगा, तुम देखो कितना लेबर आता है, लेकिन तुम मशीन से करोगे वही काम तुम एक ही दिन में कर दोगे, लेकिन वही काम अगर लेबर लगेगा तो शायद 1 महीना लग जाए। सब ये प्रायोरिटी अब गवर्नमेंट देखेगा कि हमको जॉब क्रिएट करने में फोकस करना है कि जल्दी रास्ता बनाने के फोकस कर, और रास्ता बनेगा तो दूसरा काइंड ऑफ जॉब मिल सकता है। अब वो कितना दूर तक का सोच पा रहा है आपका स्टेट का हेड या फिर उस डिपार्टमेंट का हेड, उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है सर? जैसे हमारे स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर था एक जमाने में 1998 में, ज्योति बासु, 1990-95 के आसपास में, बड़ा फेमस चीफ मिनिस्टर था, पब्लिक आज भी बहुत पसंद करता है, कम्युनिस्ट थे, ठीक है। ज्योति बासु को जब पूछा गया कि भाई कंप्यूटर पश्चिम बंगाल में लाओ, कंप्यूटर आने के लिए पश्चिम बंगाल वेट कर रहा था, ज्योति बासु बोला नहीं, कंप्यूटर आएगा तो जॉब लॉस हो जाएगा। तो कंप्यूटर को ज्योति बासु ने एक्सेप्ट नहीं किया और बैंगलोर चला गया, कर्नाटक एक्सेप्ट कर दिया। ज्योति बासु ने एक चीज सही सोचा कि हाँ कंप्यूटर तो एक साथ 4 लोगों का काम कर देता है, तो फिर जो काम 4 लोग कर सकता है तो वो काम अभी कंप्यूटर कर देगा, तो फिर हम इतना जॉब कहाँ से क्रिएट करेंगे। लेकिन ज्योति बासु ये चीज ने सोच नहीं पाया कि कंप्यूटर न्यू काइंड ऑफ जॉब क्रिएट कर सकता है, जिसमें इसलिए आज कर्नाटक हमसे बेहतर है, हम पीछे रह गए। नहीं तो अगर आज वो अपॉर्चुनिटी ज्योति बासु एक्सेप्ट करता तो बैंगलोर से पहले कोलकाता का डेवलपमेंट होता। बाद में 2000 में ये 94-95 का बात कर रहा हूँ, 92 जब ज्योति बासु ने कंप्यूटर को रिजेक्ट कर दिया, बाद में 2000 में उन्हीं का ही सेकंड जो क्या बोलते सक्सेसर बुद्धदेव भट्टाचार्य, ठीक है, कम्युनिस्ट का ही दूसरा सीएम हमारे स्टेट में, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बोला कि सॉल्ट लेक में सेक्टर 5 है ना सर, आईटी सेक्टर बोलते हैं सेक्टर 5 को, IT हब, वो सेक्टर 5 2000 में बना। क्यों? और जब 8 साल बाद वो बना रहा है तब अभी अभी कंपनी को बोल रहे हैं अब आओ। अब उतना देर में बड़ा बड़ा सब इन्वेस्टमेंट बैंगलोर चला गया, अब जो बचा कुचा दो चार है वो बोला ठीक है हम आ सकते हैं, तो वो लोग आया, तो तब उसका नाम वो खुद ही बोला कि शुद्धिकरण कर रहे हैं, गलती हो गया था उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन उसमें फर्स्ट मूवर का एडवांटेज तो कर्नाटका ले लिया, और सेकंड सेकंड टाइम पे सिर्फ अकेला कोलकाता नहीं, हाँ सेकंड पोजिशन पे हैदराबाद भी था। अब बैंगलोर के बाद हैदराबाद टेक्नोलॉजिकली सेकंड में बेस्ट है, उधर नोएडा है, गुड़गांव है, गाजियाबाद साइड में भी बना है सब, चंडीगढ़ है, तो कहीं ना कहीं कोलकाता तब कंपटीशन में आ गया। समझ में आ रहे हैं सर? तो इसलिए हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने सिर्फ आज का डेवलपमेंट देखने से नहीं होगा, डेवलपमेंट को आगे भी लेके चलना है। सिर्फ आज खाने से नहीं होता है, घर में लोगों को कल भी खिलाना है, तो ये डिपेंड करता है पॉलिटिशियंस के सोच पे। घर का लीडर कैसा हो
जो दुर्गा सोच सके, हर घर का इकोनॉमी, जैसे मानो घर का हेड पापा है या माँ है जो भी है, लेकिन उस फैमिली का ग्रोथ डिपेंड करता है माँ पापा के सोच से। गलत मत मानो, सब फैमिली का, माँ पापा सिर्फ आप लोगों का नहीं, मेरा भी है। माँ पापा का सोच बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो किस टाइम पे क्या डिसीजन ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर माँ पापा का लीडरशिप मैटर करता है। दे आर कैप्टन योर फैमिली, है ना, एक कैप्टन है तो कोई कोच है ना। अब उन्हीं का डिसीजन पर डिपेंड करते कि फैमिली आगे जाके अच्छा करेगा कि खराब करेगा कि एवरेज करेगा। इस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूँ कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसी पे ना डिपेंड करेगा उसका फैमिली का फ्यूचर। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो सर, मैं आपको सिर्फ एक एंगल से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको हर एक एंगल को कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज कभी ना भूल, मैंने भूलो। आप पढ़ाई एक बार करो जिंदगी भर याद रहो, बार बार होता है होता है, और रट्टा लगाने का मतलब नहीं है, समझो, समझ के रटो, समझ लो फिर जितना मर्जी रटो, बिना समझ के नहीं, वो और रटने का कोई मतलब नहीं। तो आगे जाके फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने का फायदा क्या, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का क्या काम, क्या करोगे सीए बन के, फिर समझा ही नहीं तुम सर। यहाँ पर पीपीसी कार्ड मेरे नोट्स में है, इंस्टीट्यूट ने, ज्यादातर इंस्टीट्यूट अभी पीपीसी को हटा दिया है। पीपीसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मुझे इसके बारे में बताने का बड़ा मन करता है, लेकिन बहुत सारे सिलेबस में दिया नहीं, तो कोई कोई बोलता है सर हमारे सिलेबस में है नहीं, काय को पढ़ा रहे, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि बताना चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, हल्का सा बता रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पीपीसी कॉन्सेप्ट एक डेवलप हुआ था सर, ठीक है। ये पहले हम लोगों के टाइम पे भी था, बाद में भी था, दो साल पहले भी था, रिसेंट रिसेंट सिलेबस में इसको हटाया, लेकिन ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि आप एक बार पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने से आगे जाके जो डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है उसमें हेल्प होता है। डिमांड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें यही चीज काम करेगा, लेकिन डायरेक्टली इसको सिलेबस में नहीं, इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं। लाइन में मैं बहुत देर से पूछा ही नहीं सर, भूमिशा, मानसी, ऋषिता, समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। अब थोड़ा सा देखो सर, पीपीसी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब होता है कि अब जो इकोनॉमी जो तीन प्रॉब्लम लेके है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, एक्चुअली इसी का एक एक्सटेंशन है ये पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, माने इकोनॉमी के पास क्या है उसके लिए वो किस तरह का प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट डेवलप करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पीपीसी को एज्यूम करने बोला है, से फॉर एग्जांपल कि मानो कि आपके इकोनॉमी में सिर्फ दो ही प्रोडक्ट है, माने समझने का कोशिश करो सर, दो प्रोडक्ट है इन द सेंस, या तो आपको पहनना है या तो आपको खाना है, माने दोनों ही करना है, जीने के लिए दो चीज है ना, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान। तो यहाँ पर शेल्टर को थोड़ा इग्नोर किया है, मान के चलते कि शेल्टर है सबका, लेकिन रोटी और कपड़ा को लेके थोड़ा दिक्कत। अब इकोनॉमी जब स्टार्ट होता है तो लोगों को यही चिंता होता है कि रोटी और कपड़ा का क्या करें, माने मेरे को खाना भी है और मेरे को पहनना भी है ना, ये दो चीजें, नहीं पहनोगे तो ठंडा में गर्मी में मर जाओगे और नहीं खाओगे तो भूखा में मर जाओ, कुछ तो हुआ ना, क्वेश्चन इज। तो आपको इकोनॉमी में डिसीजन लेना है कि भाई दोनों गुड्स को मैं कैसे बनाऊं, और सोर्स आपके पास क्या अनलिमिटेड पैसा है, लिमिटेड है, तो लिमिटेड में आप अपना प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, यही तो चुनौती है, दिस इज द चैलेंज। पीपीसी इस मुद्दे पे बात कर, assumption दिया है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज रिमेन फिक्स्ड, माने आपके पास जो रिसोर्सेस है वो फिक्स्ड है, मानो एक मशीन है, आप दो मशीन नहीं ला सकते, क्यों, आपके पास पैसा नहीं है, सरकार आपको लोन नहीं देगा, और ऐसा प्रॉब्लम हर फैमिली का होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई फैमिली, कोई ना कोई इंडिविजुअल इस तरह का प्रॉब्लम को फेस करता है अपनी जिंदगी में, क्या आप लोन मांग रहे हो, लेकिन लोन इजीली नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो हाई इंटरेस्ट में मिलेगा, तो इसी डर पे आप लोन लेने नहीं जाओगे। दूसरा प्रॉब्लम है कि घर पे इतना पैसा है नहीं, तो क्या घर पे पैसा नहीं है तो क्या हाथ खड़ा कर दोगे,
ये तो इंसान का नेचर नहीं है। ह्यूमन नेचर क्या है? चैलेंज एक्सेप्ट करना। आप लोग बचपन में बायोलॉजी में एक बात जरूर पढ़े होंगे, डार्विन बात पढ़े हो सर? डार्विन, डार्विन का थ्योरी बायोलॉजी में नहीं पढ़ा? हाँ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, भूल गया? डार्विन बायोलॉजी में एक चीज बोलता है, आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। डार्विन ने कुछ प्रमाण किया कि ऐसे जिराफ होता है ना, जिराफ बोलते जिराफ का नेक इतना ऊंचा क्यों? तो बोलते जिराफ का नेक इसलिए ऊंचा है क्योंकि पहले पेड़ इतना, मैंने पहले जिराफ का नीचे ही था, वो नीचे ही घास फूस खाता था, लेकिन बाद में कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि घास फूस खत्म हो गया, बर्फ जुग आया, होता है ना आइस एज वगैरह आया, या फिर बहुत डेजर्टेड सिचुएशन हुआ, तो जिराफ को खाने के लिए अपना नेक को बड़ा करना, मैंने बेसिकली वो हमेशा ऐसा करके ही खाता। तो इस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ, तब जाके धीरे 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 जिराफ का नेक जो है इतना ऊंचा हो गया। ये उनका थ्योरी है, मैं उनको पूरा पूरी नहीं मानता, लेकिन ये उनका थ्योरी है और इसको बायोलॉजी में बकायदा पढ़ाया जाता है। एक तो ये वाला थ्योरी था, दूसरा था जैसे कि ये ह्यूमन बींग जो है, ये भी इतिहास में, भूगोल में या विज्ञान में पढ़ाया गया है कि इंसान पहले थोड़ा सा ऐसे झुक झुक के चलता, फिर धीरे 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 उसका स्पाइन कॉर्ड ऐसा हो। ये भी एक थ्योरी है, कोई ठोस प्रमाण नहीं है इसका। झुक झुक के चलने वाला तो अभी भी है, एप्स तो अभी भी दिखता है, इंडोनेशिया में अभी भी एप्स है, वो जिसको हम लोग गोरिल्ला वगैरह बोलते रहे बाबा, गोरिल्ला तो आज भी झुक के चलता है। अच्छा, और एक चीज बोलता है कि बंदरा, हम लोग पहले बंदर ही थे, हम लोग का भी पहले कार्टिलेज था, मैंने लेज जिसको बोलते हैं, पहले हम लोग का भी लेज था, वो होता है ना जैसे डोंकी का होता है, डोंकी का नहीं बंदरा का जैसा होता है, लेकिन धीरे धीरे यूज ना करने के कारण ये सब हम लोग का खत्म हो गया। तो कोई भी चीज यूज ना करोगे तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, ऐसा डार्विन का मतलब मानना था। तो ये थ्योरी एकदम इग्नोर भी नहीं किया जा सकता और इसका प्रॉपर कोई रीजंस भी हमेशा मिलता नहीं है, बट थ्योरी है, बायोलॉजिस्ट ने भी इसको पढ़ा है, समझा है और इसको देखा है। तो उसमें एक चीज डार्विन का मानना पड़ेगा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ध्यान से सुनना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज तक दुनिया में जितना जानवर इंसान को लेके, हम लोग भी एक तरह का जानवर ही है सर, दो पहिया वाला, हम लोग का दो पैर है, हम लोग दो पैर का जानवर है, ठीक है, हम लोग बाकी जानवर से बहुत कुछ खास नहीं है। पॉइंट भी नोटेड सर, आज तक जितना जानवर पैदा हुआ है इस पूरा वर्ल्ड में, इसमें आज जितना जानवर हम लोग देख पाते, कुछ जानवर था बट हम लोग नहीं देखे, जैसे कि डायनासोर, इतना साइज में बड़ा खूंखार, ऐसे उसका ही दो तरह का था, एक वेजिटेरियन वाला भी था, एक नॉन वेजिटेरियन वाला भी था, मैंने कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो उसमें तुम जुरासिक पार्क देखो, जुरासिक पार्क का सीरीज देखा किसी ने? देखा ना सर, उसमें पूरा चीज पता चलेगा। जुरासिक पार्क का कम से कम 4-5 सीरीज है, आप एटलीस्ट 2-3 सीरीज देखो, आपको जुरासिक पार्क में पता चलेगा। और डायनासोर का स्केलेटन वर्ल्ड के अलग अलग म्यूजियम में आज भी पाया जाता है। इंडिया में डायनासोर पाया गया कि नहीं पाया गया, उसका प्रमाण सटीक से नहीं मिला, क्योंकि इंडिया बर्फ वाला जगह नहीं है ना सर, बर्फ वाला जगह में किसी भी चीज को स्टोर ऑटोमेटिक हो जाता है, इंडिया में तो बर्फ उतना होता नहीं है, थोड़ा बहुत हिमालय को छोड़ के, तो इसलिए अगर वो बर्फ वाला जगह नहीं है, पानी वाला ज्यादा है और गर्म होता है, बारिश होता है, तो तुम ज्यादातर वो हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता नहीं, फॉसिल भी गल जाएगा, वो पानी में बह जाएगा, मिट्टी के नीचे चला जाएगा, लेकिन ठंडा एरिया में क्या है, वहां पर जम के मिल जाता है, ये एक रीजन है, ठीक है। अब दूसरा, इंडिया में मैमोथ मिलता, क्या मिलता था? मैमोथ, मामोथ माने हाथी का बाप, आज का जो हाथी है, हा? बड़े दांत वाले, लेकिन आज भी नहीं है वो, आज कम से कम आज से 100,000 ईयर्स पहले था ना। क्वेश्चन उठता है, अगर साइज और पावर से देखा जाए, डायनासोर और मैमोथ को आज भी जिंदा होना चाहिए था पावर से, क्योंकि वो सबको मार के जिंदा रह सकता, लेकिन क्या जिंदा है? लेकिन कछुआ है, कछुआ इन्हीं जमाने का प्राणी, हम लोग नहीं थे, कछुआ था, कछुआ माने क्या बोलते हैं उसको, टर्टल बोलते हैं, टर्टल इसकी बोलते हैं,
छोटा को टर्टल बोलते हैं, छोटा को टॉर्टेस बोलते हैं, बड़ा को टर्टल बोलते हैं। वो अभी भी है, क्रो कौवा, कौवा बहुत पुराना प्राणी है। कम हो रहा है ड्यू टू एनवायरमेंटल इश्यूज। हाँ सर बोलो। हाँ है, वही चीज बोल रहे हैं सर कि तब थे अभी भी है। इसका मतलब मैं एक्चुअली बोलना ये चाह रहा हूँ कि फीट होना और पावरफुल होने में डिफरेंस होता है, और डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो बोल रहा है कि दुनिया में वही जिंदा रहता है जो फिट रह पाता है और अपने आप को एग्जिस्टेंस करने के लिए स्ट्रगल करता है। डायनासोर भी रह जाता सर अगर वो स्ट्रगल कर पाता, मैमोथ भी रह जाता अगर वो स्ट्रगल कर पाता। हाँ सर, हाँ मतलब मैं कहने का है, बहुत सारा थ्योरी है सर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये लोग अपने आप को सर्वाइव तो नहीं कर पाया ना, किसी भी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाए, मैमोथ भी नहीं कर पाए। तो पॉइंट इज दैट कि समय के साथ साथ कौन सर्वाइव कर, जैसे वो बोला कि बहुत सारा माइक्रो वाला छोटा छोटा प्राणी भी है जो पुराने टाइम पे भी था आज भी है। बात तो सही है, इसका मतलब क्या वो सर्वाइव कर लिया तभी भी आज भी है। क्वेश्चन इज दैट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है। समझ में आ रहा सर? तो यहाँ पर मैं आपको जो चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ थ्रू पीपीसी, वो क्या है कि आपके पास लिमिटेड पैसा है, ठीक है, आपके पास लिमिटेड मनी है, और लिमिटेड मनी में आप अपना जिंदा रहने के लिए कौन सा चीज करोगे। मैंने ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है, माँ के लिए भी चैलेंज है घर चलाने के लिए, पापा के लिए भी चैलेंज है घर चलाने के लिए। तो इसमें दो एग्जाम्पल दिया है सर, या तो आप क्लोथ एंड वीट दोनों को, दोनों ही आपको चाहिए, बट क्योंकि पैसा कम भी है तो खाओगे कि बनाओगे, मैंने खाओगे कि पहनोगे। मैंने कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर एक स्टैटिस्टिकल चार्ट है और ग्राफ भी है जो आपको धीरे धीरे मैं समझाऊ, ठीक है, तेरे को जाना है बाबू, ठीक है, तो फिर निकल बाद में। ये वाला मैं क्लास जितना भी होगा 10-15 मिनट और होगा सर, मैं शेयर कर दूंगा, एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि तरह है इसलिए मैं बोलूं, नहीं तो ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, मैंने रिकमेंडेड तो नहीं है, ठीक है। हाँ तो दो तरह का गुड्स हो गया, कपड़ा और वेट। अब यहां पर बोल रहे कि भाई तुम चार पांच कॉम्बिनेशन दे दिए, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन, एफ कॉम्बिनेशन। बोलते हैं कि जब तुम कपड़ा नहीं चाहिए तुमको, सिर्फ खाना बनाना है, लेकिन पैसा लिमिटेड है, तो यह अगर पैसा लिमिटेड है, अगर कपड़ा नहीं बनाओगे तुमको कम से कम 15 kg से, फॉर एग्जांपल 15 kg एग्जांपल ले रहा हूँ, 15 यूनिट्स ऑफ वीट चाहिए। अगर तुम 15 यूनिट्स ऑफ वीट बना लेते हो तो कपड़ा नहीं बना पाओ, क्यों? ड्यू टू लिमिटेड पैसा, यानी एक करने जाओगे तो दूसरा नहीं कर पाओ। लेकिन अब सेकेंड कंडीशन बोलता है कि नहीं सर, हमको तो पहनना भी है, सिर्फ खाने से तो नहीं चलेगा, तो अगर, लेकिन पैसा तो लिमिटेड है ना सर, अब लिमिटेड मनी में अगर तुमको पहनना भी है तो खाना थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, खाना कम करो, वेट कम करो, शायद एक कपड़ा मिल जाए, वेट को और थोड़ा कम करो, दो कपड़ा मिलेगा, वेट को और थोड़ा कम करो, तीन कपड़ा मिलेगा, वेट को और थोड़ा कम करो, चार कपड़ा मिलेगा, वेट को जीरो कर दो तो शायद 5 कपड़ा बना सकते। सर हाँ, एक को पूरा करो या तो जीरो करो, लेकिन अगर बैलेंस करना है तो सैक्रिफाइस करो। इस चीज को बोलते हैं सर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, माने अगर आपको एक चीज को अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना है तो दूसरा को सैक्रिफाइस करना होगा। जैसे दुर्गा पूजा के टाइम पे हम लोगों को पॉकेट मनी मिलता था बचपन में, आप लोगों को आज भी मिलता है। सपोज दुर्गा पूजा में माँ ने बोला कि चलो कपड़ा खरीदना है अपने पसंद का, चलो 5,000 रख लो, ठीक है, 5,000 तुमको घर से मिला। अब तुम जीन्स खरीदने गए, टी शर्ट खरीदने गए, अब तुमको एक पेपे जीन्स पसंद आया, पेपे जीन्स थोड़ा महंगा होता है ना, कम से कम 3,000 का जीन्स आता है, ठीक है, अब एक स्टार्टिंग 3,000, अब आगे जितना जाएगा, पेपे ही बोलते हैं ना उसको, ठीक है, अब 3,000 का जीन्स खरीद लोगे तो फिर टी शर्ट बचा तो 2,000 ही है, अब 1,000 का टी शर्ट तो थोड़ा क्वालिटी इश्यूज हो जाएगा, कम से कम 1,500-2,000 का अगर टी शर्ट लेना है तो एक ही टी शर्ट हो पाएगा, लेकिन अगर 1,000 का टी शर्ट लेना चाहते हो तो 2 टी शर्ट कर सकते हैं। अब दुर्गा पूजा में 3 दिन है,
सप्तमी अष्टमी नवमी है ना, तो तीन दिन तीनों अलग अलग पहन के निकलना है सर। एक ड्रेस पहन के निकलोगे तो दोस्त लोग बोलेगा भाई तुमको नहीं खरीद के दिया क्या, तो फिर तुम जीन्स एक लेके चला सकते हो, लड़का लोगों का क्या है वो एक जीन्स में और दो तीन टी शर्ट लेके काम करा सकते, तो लिमिटेड मनी में अब क्या करेगा, टी शर्ट पे सेक्रीफाइस करेगा या फिर वो जीन्स पे सेक्रीफाइस करेगा तो टी शर्ट उसको कम मिलेगा, और जीन्स अगर वो सस्ता वाला लेगा तो फिर वो दो जीन्स ले सकता है, तब 1500 वाला कोई भी नॉर्मल जीन्स ले लो, दो जीन्स आ जाएगा। एक इंडिविजुअल जिस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कंट्री को भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है। समझ में आ रहा है सर? ये इसीलिए इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट वेरी डिफरेंस। मोदी जी ममता दीदी क्या सोच रहा है और आप क्या सोच रहे हो, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग नेचर वाइज। वो बड़े पैमाने में सोचते हैं, आप छोटे पैमाने में सोचते, बट सोचना वही है, वही इकोनॉमिक कंडीशन, वही लिमिटेड पैसा, सब कुछ वही है। अब देखो, अब इसको तुम ग्राफ में प्लॉट करो, जब तुम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हो तो पीपीसी कार बन जाता है। कैसे बनेगा? जीरो से लेके 15 तक जाना है। 15 क्या है? विड्थ। इधर क्या है? क्लोथ। ठीक है, मैं किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको पता है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हूम टू प्रोड्यूस। अब कंट्री को सोचना पड़ेगा, मैंने एक्चुअली कोई बोलेगा सर पीपीसी सिलेबस में नहीं दिया तो आप क्यों बता रहे, लेकिन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हूम टू प्रोड्यूस समझने के लिए पीपीसी समझना जरूरी है। ठीक है, हो सकता है कि वहां पर थोड़ा सा स्किप किया है, बट ये इसी का पार्ट। ठीक है, तो फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप एक बार सुन तो लो, चला क्या जाएगा जिंदगी में, कुछ मिले ही जाएगा आपको। आपको इधर वेट चाहिए, इधर आपको क्लोथ चाहिए, तो एक्स एक्सिस में क्लोथ दिखा दो, वाई एक्सिस में वेट दिखा दो। तो इधर 15 कितना है, 15 केजी अगर मैं इसको केजी मानूं, और क्लोथ को अगर मैं यूनिट मानूं, मैंने एक पीसेस, ठीक है पीसेस, तो ये जीरो है, इधर 15 है, और इधर आप 0, 2, 3, 4, 5। ग्राफ कैसे ड्रॉ करता है, डिमांड ग्राफ भी इसी तरह से ड्रॉ होता है। बहुत लोग इकोनॉमिक्स में ग्राफ ड्रॉ करने से डरता है, उनको लगता है कि हमको ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो ग्राफ समझ नहीं पाता क्योंकि वो इसके पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाता। पीपीसी इसका शुरुआत है, पीपीसी इसका स्टार्टिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ग्राफ समझना पड़ता है, और वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो, मैं आपको पीपीसी अभी समझाया, अब इसको मैं जस्ट ग्राफिकल प्लॉट करूंगा, कितना इजीली प्लॉट होगा देखो। अच्छा, यहाँ पर 0 से लेके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके करते करते हम लोग 15 केजी तक राइस बना सकते हैं। मैं बुरा वाला ड्रॉ नहीं किया, चलो इसमें थोड़ा 14 कर देता हूँ और 12 कर देता हूँ। अब पॉइंट इज दैट कि जब आप 15 केजी राइस बनाओगे तो तुमको कपड़ा क्या मिलेगा, जब तुम 14 केजी राइस बनाओगे तो कपड़ा कितना मिलेगा, एक ना, एक। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर 0 था, 0 के बाद 2 दिया है, तो फिर अच्छा ये वाला 1 होना चाहिए। 15 में तो ये 0 है ना, ठीक है, जब ये 14 इधर आया तो इधर 1 होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको 0 नहीं, इसको 1 करो, 0 तो ये है, तो फिर 0 के बाद ये 0 कैसे हो सकता, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा ना ग्राफिकल। ठीक है, तो ये 1 है, मैंने कहना ये चाहता है कि जब 14 केजी तुमको क्या मिलेगा, 14 केजी राइस जब तुम बनाओगे या वेट बनाओगे तो तुमको एक ही कपड़ा बनाने को मौका मिलेगा, फिर तुम 12 केजी बनाओ तो इधर तुमको 2 कपड़ा मिलेगा, फिर तुम इधर 9 बनाओ तो इधर तुमको 3 मिलेगा, इधर 5 बनाओ तो इधर तुमको 4 मिलेगा, इधर 0 बनाओ तो इधर तुमको 5 मिलेगा। अब जितना पॉइंट यहाँ पर बना है सर, ये पॉइंट को जब तुम जस्ट कनेक्ट करोगे, तुमको जो कार्ब मिलता है, इस कार्ब को कहते हैं पी पी सी और पी पी एफ ऑल्सो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्ब भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रॉन्टियर भी बोलते हैं। हाँ, फ्रॉन्टियर दूसरा नाम है इसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रॉन्टियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, याद रहेगा सर? हाँ, तो इकोनॉमी को किस तरह से दोनों में से एक को चूज करना है, या फिर दोनों के अंदर आपको क्या करना है, मैचिंग करना है, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, आगे आगे जब मैं, हाँ, बैलेंस करना है।
इसके आगे एक एडवांस टॉपिक आएगा सर डिमांड के अंदर, कंज्यूमर बिहेवियर बोल के। कंज्यूमर बिहेवियर में एक टॉपिक आता है, बोलो सर टॉपिक क्या है? मैं जो सोच रहा हूँ वो बता, तू तो मेरा माइंड पढ़ सकता है, बोल। आईसी एनालिसिस, आईसी इंडिफरेंस का, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोल के एक कॉन्सेप्ट आता है जो आगे आगे डिमांड के अंदर रहेगा। वो इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट और ये पीपीसी का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। वो सिलेबस में नहीं है, ये है वो है, मेहनत मेरे को ही लगता है, आप लोगों को तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। लेकिन इसमें आपका एक फायदा हो जाता है, आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसका भी पता लग जाता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है, क्योंकि आगे जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ बहुत समझना है, हमारे सिलेबस में है ना पीपीसी, सीए के सिलेबस में हटा दी। हाँ पहले पढ़े हो, पहले पीपीसी समझे थे इस तरह से पहले, वेरी गुड, तुम लोग के सिलेबस में है ना, अब चलो मैं तो पढ़ाता रहूँगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड जितना टॉपिक होगा मैं सारा कवर करूंगा। आप किसी के सिलेबस में कोई टॉपिक को कोई इग्नोर करता है तो इसके चलते, जैसे उस दिन कल मैम बता रहा था अकाउंटेंसी में सीए फाउंडेशन के सिलेबस में अभी कंसाइनमेंट हटा दिया ना, हटा दिया, लेकिन कंसाइनमेंट का क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कंसाइनमेंट दे रहा है, तो मैम बोल रहे थे जब तुमको कंसाइनमेंट हटा ही देना है तो फिर कंसाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन तुम दूसरे चीज के साथ पूछ क्यों रहे हो, है ना, तो फिर क्वेश्चन ही मत दो। अब स्टूडेंट को कंसाइनमेंट पता नहीं, अब एक छोटा सा चीज के लिए पूरा बताऊंगा, है ना, अब ये तो बने दोगलापन है ना, या तो छोटा पॉइंट करके कहीं पर एक सिलेबस में दे दो ताकि स्टूडेंट को तसल्ली हो जाए। तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग हुआ सर कि पीपीसी, अच्छा पीपीसी का अब यहाँ पर काफी सारे पॉइंट आता है। फ्रॉम द अबव टेबल एंड फिगर इट इज क्लियर दैट व्हेन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इंक्रीज देन प्रोडक्शन ऑफ फूड डिक्रीज, क्लोथ को बढ़ाया तो फूड को गिराया, है ना, एंड इट विल गिव कॉनकेव से, कॉनकेव माने इस चीज को कॉनकेव बोलते हैं और इस चीज को कॉनवेक्स बोलते हैं, वेरी गुड सर, दिस इज कॉल्ड कॉनवेक्स एंड दिस इज कॉल्ड कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव का एक दूसरा नाम है, इसको ना बॉल आउट शेप भी बोलते हैं, जैसे बॉल होता है ना सर, कटोरा, रे बाबा कटोरा, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ना बॉल, ठीक है, बॉल बोलते हैं ना, जैसे मैंने कोई पार्टी जिसको बांग्ला में हम लोग बोलते हैं, तो एक बाटी का पीछे का हिस्सा जैसे देखने में होता है, बाटी का नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, उसके तरह ही कॉनकेव होता है, तो कॉनकेव का मतलब होता है, इसको बाउड आउट शेप भी बोलते हैं, चलो यहाँ पर लिखा भी रहेगा कहीं पर कि व्हाई पीपीसी इज बाउड आउट, ऐसा भी पूछते हैं ये बाउड आउट क्यों होता है, बिकॉज जब हम एक को घटा रहे तो दूसरे को बढ़ा रहे, या फिर एक को बढ़ा रहे तो दूसरे को घटा रहे, है ना, वन इंक्रीजेस तो दूसरा डिक्रीजेस, वन डिक्रीजेस एंड अनदर इंक्रीजेस, तो ये उल्टा कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा ऐसा ही देखने में होता है, अगर दोनों ही गिरता या दोनों ही इंक्रीज होता तो शायद ऐसा कभी ना होता, ठीक है, एक बढ़ता है तो दूसरा, हाँ तो कॉन्वेक्स भी हो सकता था या स्ट्रेट लाइन हो सकता था, ठीक है, तो ये नॉर्मली कॉनकेव होता, पीपीसी कर्व हमेशा कॉनकेव होता। So from the above table figure, it is clear that when production of clothes increases, then production of food decreases, and it will give concave shape of PPC because opportunity cost are increasing, and PPC and productivity efficiency. Opportunity cost increase करने से क्या होता है? आपको productivity efficiency मिलता है. Productivity efficiency का मतलब क्या है? मतलब basically limited पैसे से भी आप अपना जरूरत का चीज ready कर पा रहे हैं, है ना? सिर्फ road बनाने से नहीं होता है, गाड़ी भी बनाना पड़ता है, है ना, सिर्फ रोड बनाने पे नहीं होते, रोड पे इलेक्ट्रिसिटी भी देना पड़ता है। अब सरकार के लिए तो चिंता होता है ना, रोड बना दिया पर रोड पे लाइट नहीं, उसका भी खर्चा निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकाले, कैसे निकाले, पैसे कहाँ से जुगाड़ करें, दे हैव टू थिंक, है ना, टोल ले कि ना ले। सो ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी कर्व लाइक ए बी सी डी ई एंड एफ शुड शो दैट गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एट लीस्ट कॉस्ट and no resources are wasted in the economy and productivity efficiency. मतलब ये जो अलग अलग पॉइंट है A, B, C, D, E, F, ये basically क्या कहना चाहता है कि इकोनॉमी में जितना resources है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल हुआ है, कोई भी चीज़ wastage नहीं, अगर कोई भी चीज़ बिना वेस्ट करके
जितना मेरे पास है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल हुआ वेस्टेज के बिना, इसका मतलब मेरा एफिशिएंसी हायर लेवल। जैसे मानो आप बाजार गए, बाजार से जितना जरूरत का चीज है आप सारा का सारा लाए। सपोज आपने एक हफ्ता का बाजार कर गया, वन वीक का बाजार गए, आप लोग जो भी खाना खाते हो वेज नॉन वेज व्हाटएवर सब कुछ लाए, फ्रिज में रख दी, और आपको एक टाइम के अंदर सारा चीज खाना है, नहीं तो वो सब बेकार हो सकता। फिश मीट होगा तो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, चाहे कितना भी ठंडा में रख लो। अगर मानो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जैसे मानो इवन सब्जी ऑल्सो फ्रूट्स ऑल्सो, वो भी तो थोड़ा पुराना हो जाने से वो भी बेकार हो जाता है। इवन सब्जी अगर ज्यादा रख दोगे तो बूढ़ा हो जाएगा, तो खा ही नहीं पाओगे, है ना, सब टाइट हो जाएगा, मुंह में जाएगा नहीं जाएगा। सो पॉइंट इज दैट, तब क्या करते हैं हम लोग, फेंक देते हैं ना। इसका मतलब जब फेंक देते हैं इसका मतलब भी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी नहीं है, नष्ट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है सर? क्योंकि जब खरीद के लाया था, सपोज 2000 टका का सामान लेके आए एक हफ्ता घर पे घर चलाने के लिए, अब 2000 टका में से अगर 10 टका का भी सामान खराब होता है या 100 टका सामान खराब होता है जिसको फेंकना पड़ता है बिकॉज आपने उसको यूज नहीं करा, और ये यूज ना कर पाना एक प्रोडक्टिविटी इनएफिशिएंसी है। और इनएफिशिएंसी चलो घर पे एक हफ्ता का सामान में इनएफिशिएंसी हुआ समझ में आ जाता है, इट्स ओके। बट अगर बिजनेस में जब ये चीज आपको रेगुलर बना के किसी को बेचना है और वहां पर अगर इनएफिशिएंसी होगा तो बंदा तो लॉस में चला जाएगा। मानो तुमने दुकान खोला, एक शॉप खोला, किस चीज का शॉप खोलोगे? नाश्ता दुकान दोगे सर? चलो मैं दे देता हूँ, एक ठेला लगाते हैं सर बड़ा पाव का, ठीक है, बड़ा पाव का ठेला लगाया। अब बड़ा पाव में क्या चाहिए? पाव चाहिए माने पाव रोटी चाहिए, ब्रेड चाहिए, और बड़ा चाहिए, बड़ा माने इसको हम लोग बांग्ला में बोलते हैं चॉप, ठीक है। अब पॉइंट इज कि सर पाव तो सर जिस दिन का बनेगा उसी दिन यूज करना है, इसको नेक्स्ट दिन लेके जाओगे वो सड़ जाएगा, इवन फ्रिज में भी रखोगे वो पता नहीं सर वो क्या हालत रहे, और वो भी तुम लोगों को बासी खिलाओगे क्वालिटी खराब होगा, और क्वालिटी खराब होगा तो कस्टमर डिटेरियरेट होगा। तो डेली बेसिस पे तुम्हारी दुकान में कितना कस्टमर आ सकता है, ठीक है, इसका तुमको एक प्रॉपर एस्टिमेट करना पड़ता है। फिर उस हिसाब से तुमको आलू का चोखा बनाना होता है, फिर चॉप का बेसन लगाना होता है, फिर जाके तुमको बड़ा पाव खरीद के लाना होता है, रेडी करना होता है, प्याज काटना है, सॉस लगाना है, सारा चीज रेडी करना, थोड़ा बहुत भी इधर उधर माने मुश्किल में आ सकते हो आप। अब थोड़ा बहुत ओके, बट अगर लिमिट के बाहर चला गया और रोज रोज लॉस हो रहा है, मैंने बिजनेस गया दुकान गया हवा उड़ जाए। जो लोग चावल का बिजनेस करता है, चावल बोल रहे सर भात का, मानो होटल चलाते हैं रेगुलर, मेरे होटल में कितना लोग खाना खाने आते हैं, अगर मेरे को इसका प्रॉपर आइडिया नहीं हो पाता, या फिर कितना चावल मैं राइस में लोगों को खिला सकता हूँ, अगर इधर उधर हुआ या तो कम हो जाएगा तो लोगों को खिला नहीं पाऊंगा, और ज्यादा हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। तो पीपीसी इज नॉट एन इजी टास्क इन रियलिटी। घर में गेस्ट आया है या फिर लोगों का मैरिज फंक्शन है, कई बार देखना खाना कम पड़ जाता है, जो लोग कंजूसी करता है ज्यादा कम पड़ जाता है, और कुछ लोग ज्यादा बना लेता है तो नष्ट हो जाता है। तो इसको प्रॉपरली मैनेज कर पाना मतलब पीपीसी, समझ में आ रहा है सर? क्योंकि शादी ब्याह में खर्चा बहुत होता है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख मिडिल क्लास फैमिली खर्चा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि दूसरे के शादी में खा के आते हैं तो हमारी शादी में भी खिलाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा नाक कट जाएगा। अब खर्चा तो कर लिया, और मानो कि जितना लोगों को बुलाया था उतना लोग आया नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? तो पीपीसी जिंदगी का हर एक मोड़ पे फाइनेंशियली काम आता है। क्वेश्चन पूछता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पीपीसी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी डिफाइन एज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मैंने एक को सैक्रिफाइस करके हमको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मैंने सिर्फ खाना खाने से नहीं होगा, वी नीड ऑल्सो क्लोथ, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को पाने के लिए हमको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरगोन कॉस्ट, इसको फॉरगोन कॉस्ट भी बोलते हैं, इसे ट्रेड ऑफ भी बोलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपीसी सिंस देयर आर ओनली टू गुड्स, देयरफॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन गुड इज इन टर्म्स ऑफ सैक्रिफाइस मेड ऑफ अदर गुड्स। एक को सैक्रिफाइस किया तभी जाके दूसरा मिला, तो पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज मोर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इज एसोसिएटेड विद द लेस ऑफ द अदर गुड।
ये डाउनवर्ड क्यों होता है, ये जो पीपीसी कर्व है ये डाउनवर्ड क्यों है, मतलब ये इस इधर से इधर की तरफ आ रहा है ना। आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा कि डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड होता है। आगे एक कॉन्सेप्ट पूछता है एग्जाम में कि व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अगर आप यहाँ पर पीपीसी का डाउनवर्ड स्लोपिंग समझोगे तो आगे जाके डिमांड का भी डाउनवर्ड स्लोपिंग समझो। एग्जैक्टली सर, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि आपका यहाँ पर वही जिस कारण से कॉन्फ्लिक्ट बना था ऑलमोस्ट सेम रीजन है, क्योंकि एक को बढ़ा रहे तो दूसरे को घटा रहे, ये दो हो रहा है तो ये 13 हो रहा है, ये 3 हो रहा है तो ये 9 हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड तो हो ही जाएगा। वाई पीपीसी इज डाउनलोड स्लोपिंग, तो बेसिकली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ पीपीसी का जो कनेक्शन है उसी के कारण पीपीसी डाउनलोड स्लोपिंग होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पीपीसी कॉन्केव प्रति ओरिजिन क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा था। पीपीसी लुक्स कॉन्केव प्रति ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स दैट फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ ए गुड द सैक्रिफाइस ऑफ यूनिट ऑफ अदर गुड गोज ऑन इंक्रीजिंग, एक कम करो दूसरा बढ़ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट मेक्स द पीपीसी कॉन्केव प्रति ओरिजिन और मेक्स बॉड आउट से, जो मैं आपको पहले ही समझा रहा था ये वाला, ठीक है, कटोरा के पिछवाड़ा की तरफ, एक कटोरा का पीछे वाला हिस्सा जैसे होता है बाहर की तरफ वो वाला होता है। पीपीसी में भी स्ट्रेट लाइन, सर पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है, इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज नहीं होता, माने ये जो 15 से 14, 14 से 13 ये चेंज हो रहा है ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कॉन्स्टेंट रह जाता है तब पीपीसी का कर्व बाउड आउट की जगह स्ट्रेट लाइन में बन, माने ये जो कार्विंग स्टाइल में बन रहा है ना ऐसा नहीं होता, ऐसा होता पीपीसी नेगेटिव स्लोप ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बट ड्यू टू स्कार्सिटी बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव लिमिटेड रिसोर्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज क्यों करता है, स्कार्सिटी के कारण, अगर अभाव ना होता तो हमें एक को सैक्रिफाइस करने का जरूरत ना होता। देयर इज अ बिग कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपीसी, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ पीपीसी का क्या कनेक्शन है, मैंने ये जो मार्केट में जो जॉब क्रिएशन नहीं हो पाता इसके साथ भी पीपीसी का कॉन्सेप्ट। देश में जितना पैसा है, देश के पास जितना रिसोर्सेस है, जितना मनी है, जितना एसेट्स है, अगर आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है। अच्छा, क्या हमारा देश एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में सक्षम नहीं है, सक्षम है, प्रॉब्लम है हमारे देश का, करेंट प्रॉब्लम है करप्शन, नेता लोग पैसा को इधर उधर कर देता है, जिनको हम नेता बनाते, नेता का दोष नहीं है, दोष हमारा है, हम गलत लोगों को नेता बनाते, हम बोलेंगे सर नेता लूट रहे तो हम क्या करें, लेकिन हम पूछते हैं कि हम गलत लोगों को नेता बनाते क्यों है, हम ह्यूमन बीइंग एक साथ इकट्ठा क्यों नहीं होते, जस्ट बिकॉज कोई मेरे को फायदा देता है, जस्ट बिकॉज कोई मेरे को फायदा दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है, वो भी अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज समझते हो, मैंने एक्चुअली मेरे को फेवर नहीं करना चाहिए था, फिर भी कोई मेरे को फेवर किया, सपोज मेरे को कोई मेरे से घूस लिया और मेरे को जॉब दिया, मेरे फैमिली में किसी मेंबर को जॉब दे दिया, जस्ट बिकॉज किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सीपीएम का हो, जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिकल नेता मेरे को जॉब दिया या मेरे फैमिली मेंबर को जॉब दिया, तो मैं जिंदगी भर उसका आभारी रह जाऊंगा और हमेशा उसको वोट देता रहूंगा, वो करप्टेड है फिर भी ऐसा ही लोग करता है। जस्ट बिकॉज मेरा घर पे किसी को जॉब दिया है, मेरा बच्चा को दिया है, मेरा चाचा को दिया है, देखता है ये पॉलिटिकल पार्टी मेरे को देखता है, कैसा देखता है, घूस लेके जॉब देता है ये देखता है। लेकिन सर ये कोई, अब इसी तरह से क्या होता है ना, पब्लिक के बीच में यूनिटी नहीं होता, हम सब एक दूसरे का एनिमी बन जाता है, इसलिए मैं बोला ना कि हम लोग इंसान नहीं है, दो पे का जानवर, तभी मैं बोलता, एनिमल्स में भी यूनिटी होता है, हम लोगों के अंदर नहीं है, बहुत ज्यादा होता है। हमारे यहाँ पर क्या है, हम लोग इंसान में कैसे हैं कि मानो तुम गड्ढे में पड़ा रहोगे, तुम्हारे छाती पे पैर रख के अगला निकल जाएगा, कंपटीशन है भाई, करना पड़ता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि करके क्या उखाड़ लेता है, समझ। अब इंसान का नाम इंसान, हम इंसानियत होना चाहिए, कहाँ का इंसानियत दिखता ही नहीं है,
एक बार एक मैं यहाँ पर नॉर्थ कोलकाता में रहता था, श्याम बाजार में एक कौवा, कौवा होता है ना सर, काक जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रो, वो ना गिर गया है शायद किसी कारण से, उसको एक बिल्ली ने काट दिया। उसका से फॉर एग्जाम्पल मोस्ट प्रॉब्ली उसका कोई किसी क्या बोलते हैं उसको, मैंने ऐसा जगह में काटा वो उड़ नहीं पा रहा है, तो वो कौवा उड़ जस्ट बिकॉज उड़ नहीं पा रहा है वो सब नीचे आ जाता है ताकि उसको कोई कुछ ना कर पाए, लेकिन बेचारे लोग कुछ कर नहीं पाते, क्यों, उन लोगों का तो हाथ पैर नहीं है ना, और इतना शक्ति नहीं कि अपने ठोक अपने मोट से उसको उठा के ले जाए, अगर बाज होता फिर भी कर सकता था, दे आर नॉट वेरी पावरफुल, लेकिन यूनिटी सोचो कि उसको बचाने कोशिश करता है, इंसान करेगा भागेगा पहले। समझ रहे सर, इसलिए अपने आप को मानुष कहने से पहले मानुष बनना पड़ेगा, हाँ आपको इंसान कहने से पहले इंसान बनना पड़ेगा सर, इंसान बनना इंसान एक्चुअली हम लोग नहीं है, हम लोग दो पैर का जानवर है, जानवर से इंसान बनने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। समझ रहे सर, हम लोग नहीं बन पाते, इसीलिए तो बोलते हैं थोड़ा धर्म कर्म करो, है ना, क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट के साथ पीपीसी का रिलेशन क्या है, कि मानो इकोनॉमी में जितना पैसा है, जितना रिसोर्सेस है, जितना नेचुरल रिसोर्सेस है, वो सारा चीज यूज करना चाहिए। अब कोई चीज अगर अंडर यूटिलाइज रह जाए, अंडर यूटिलाइज बने, पैसा है फिर भी जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब पीपीसी नहीं हो रहा है। अच्छा जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इकोनॉमी पूरा का पूरा लो, मतलब इकोनॉमी में ऐसा कोई नहीं होगा जो बेकार है, एक इस एरिया में एक सोसाइटी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बेकार है, इसका मतलब जितना रिसोर्सेस है सारा का सारा प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है, मैनेजमेंट बढ़िया चल रहा है और सबको नौकरी मिल रहा है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे बिजनेसमैन हो, मोटा मोटी सब अच्छा करके कमा रहे हैं, और इक्वलिटीज भी अच्छा है, मैंने इनइक्वलिटी नहीं है। जिस दिन ये चीज अचीव होगा उसी दिन मोदी जी का वो सपना 2047 में इंडिया का इंडिपेंडेंस का 100 साल पूरा होगा, और तभी जाके विकसित भारत बनेगा, वही इसका प्रमाण है। समझ में आ रहा है सर, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपीसी, सो व्हेन एन इकोनॉमी प्रोड्यूस एन पीपीसी इट मींस दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल द रिसोर्सेस आर बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली, बट इफ एन इकोनॉमी ऑपरेट्स इनसाइड पीपीसी इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हाँ, नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मतलब तुम अपने औकात के नीचे काम करो, तुम्हारा क्वालिटी हाई है फिर भी तुमको लो क्वालिटी काम करना पड़ा, या फिर ऐसा मानो कि एक जमीन में तीन लोग काम करेगा तो चलेगा, या दो लोग काम करेगा उसको खेती करने के लिए चलेगा, तो जिस जमीन में दो फार्मर चाहिए उस जमीन में अगर 10 फार्मर काम करेगा तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट। या फिर मानो तुम्हारा क्वालिटी है, तुम एक टॉप लेवल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और तुम एक कंपनी में सिर्फ क्लरिकल डेटा एंट्री का काम कर रहे हो तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो पर तुमको किसी कंपनी में क्लार्क का काम मिला है, तुम इकोनॉमिस्ट हो पर तुम सही काम नहीं कर पा रहे हो, क्यों, इकोनॉमी में काम प्रॉपरली नहीं है, या जो है वो तुम बेसिकली पॉइंट इज कि तुमको लोअर लेवल में काम करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्वाइवल। अफगानिस्तान में ऐसा हालत है, कुछ कुछ दिन पहले लोग जो लोग मिनिस्टर था अभी वो दूसरे, पाकिस्तान का भी हालत कुछ ऐसा ही है, एक पाकिस्तानी मिनिस्टर जापान में पिक पॉकेट में पकड़ा गया, पिक पॉकेट मैंने पॉकेट मारी सर, चोरी करता है पॉकेट को, जापान के बुलेट ट्रेन में पिक पॉकेट में पकड़ा गया, पाकिस्तान का मिनिस्टर था, अफगानिस्तान का प्राइम फॉरेन मिनिस्टर था, कनाडा में साइकिल साइकिल चला के डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था,
समझ में आ रहा है सर मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ? तो जब इकोनॉमी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता तो इस तरह का सिचुएशन होता है, ठीक है? जैसे हमारे देश में प्रॉब्लम ये तो बहुत है, जमीन काम करने लायक है 2 लोगों का, काम कर रहे हैं 10 लोग, क्यों दूसरे जगह में काम नहीं है? एक ही जगह में सब कुछ कुछ है। इसके पीछे हमारा एक मिडिल क्लास सोसाइटी का एक चिंता भी प्रॉब्लम करता है। बीच में एक बार ऐसा हुआ था, ये घर घर में बहुत बच्चा पैदा कर, बोले भाई बाहर से लेबर क्यों बुलाना है, घर में ही बच्चा पैदा करो, घर में ही लेबर बनाओ। इलिटरेट लोगों का सोच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तभी फैमिली में, एक फैमिली में 10 बच्चा 15 बच्चा करके पैदा हुआ। आज भी किसी किसी समाज में होता है ना, जैसे मेरे दादाजी का पापा, हम लोगों का पापा लोग 6 भाई है 4 बहन है, तो 10 हो गया, ठीक है? लेकिन वो लोग पुराने जमाने का है सर। मेरा पापा 60+ का है, मेरा बड़ा ताऊ जो है वो मर गया, उनका एज कम से कम 80 के आसपास होगा, पापा से कम 15 साल बड़ा होगा। आज की डेट में अगर वो रहते तो 80 के होते। तो उस जब उनका माँ पापा का सोच किस लेवल का जाए, समझ रहे हो ना सर? तो समाज में उस टाइम का सोच विचार थोड़ा पुराना था, तो लोग बच्चा पैदा करता गया। अब ये तो फिर भी 6+4 कम ही बोल दिया, इससे भी ज्यादा ज्यादा फैमिली है। अब इस पे क्या हो रहा है, जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो रहा है, इकोनॉमी अल्टीमेटली अंडर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। जमींदारी जो था वो डिस्ट्रीब्यूट होते होते अब कुछ बचा ही नहीं, समझ में आ रहा है सर? इसलिए ये इकोनॉमी के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जा जाता है कि पीपीसी में कैसे काम करें। पीपीसी अचीव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट एक्चुअली पीपीसी है, फुल एम्प्लॉयमेंट विद यूजिंग ऑफ फुल रिसोर्सेस। समझ में आया सर? लास्ट 2 पॉइंट देख लो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है ना? घर पे पढ़ने के टाइम पे प्रैक्टिस करना सर, ड्रॉ करते करते। ये क्लियर होगा तो डिमांड वगैरह सारा ग्राफ क्लियर हो जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड शिफ्ट इन पीपीसी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड शिफ्ट इन पीपीसी माने कॉन्सेप्ट इज, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है, जैसे आज अगर मैं इंडिया का बात करूं सर, इंडिया का टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, यस और नो? यस। इंडिया एक मिडिल क्लास कंट्री होने के बावजूद इंडिया ने यूपीआई डेवलप को इवन दुनिया के डेवलप नेशंस नहीं कर पाया, फ्रांस जैसे कंट्री नहीं कर पाया, इंडिया करके दिखा। यूपीआई पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट हो रहा है, फंड ट्रांसफर हो रहा है, सो ह्यूज टेक्नोलॉजी, पूरा दुनिया तारीफ कर रहा है। और सिर्फ तारीफ ही नहीं कर रहा है, हमारा ये टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हम लोग दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पहले जैसे वीजा मास्टर कार्ड का टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ परचेज करते थे, अभी हमारा यूपीआई टेक्नोलॉजी हम फॉरेन को कब ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके कारण हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ रहा है, जॉब क्रिएशन हो रहा है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, सर्विस पे टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हम लोग कमा रहे हैं सर, इज्जत बढ़ रहा है, नाम बढ़ रहा है, गुडविल बढ़ रहा है। तो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तो पीपीसी का क्या होगा, राइट शिफ्टिंग होगा, राइट शिफ्टिंग। पहले पीपीसी यहाँ था, अभी पीपीसी राइट शिफ्टिंग हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ करो, ग्रेटर कैपिटल फॉर्मेशन। पहले पैसा दिखता नहीं था, अभी पैसा दिख रहा है, बैंक में जाने से भी बैंक भी पैसा दे देता है, बैंक के पास भी पैसा होने से होने के लिए पब्लिक के पास पैसा होना चाहिए। अगर पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा, तो बैंक के पास पैसा नहीं होगा, तो बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो बैंक आपको लोन नहीं दे पाएगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन इसी तरह से होता है, उसके लिए भी पीपीसी क्या होता है, राइट शिफ्टिंग करता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन में ग्रोथ एक सर्टेन लेवल का ग्रोथ होना चाहिए, उल्टा पुल्टा ग्रोथ नहीं, सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ। मैंने पॉपुलेशन थम जाना भी तो खराब बात है ना, जैसे यूरोपियन कुछ कंट्री है, डेनमार्क नॉर्वे, यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव है, मैंने लोग पैदा ही नहीं होता, एक एक साल ऐसा रहता है कि कोई भी बच्चा नहीं पैदा हो। प्रॉब्लम क्या है, ये देश बहुत बूढ़ा देश है, ओल्ड एज कंट्री है, तो ओल्ड एज कंट्री का प्रॉब्लम क्या है, रशिया जापान ओल्ड एज कंट्री हो रहा है, क्यों? यूथ नहीं है तो फिर काम कौन करेगा, इसलिए जापान में इकोनॉमिक ग्रोथ थम सा गया है। इतना सारा चीज होने के बाद भी ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव में चल रहा है, काम कौन करेगा, यूथ चाहिए तो। हाँ, पॉपुलेशन कम होना भी खराब बात है, पॉपुलेशन टू मच होना भी खराब बात है, और कम होना तो और खराब बात है। टू मच होना फिर भी आगे जाके कंट्रोल हो सकता है, पर एकदम गिर जाना, नेगेटिव में चला जाना, इट्स वेरी डेंजरस। आज यूरोपियन कंट्री, कनाडा का क्या हालत है,
काम करने के लिए कोई है नहीं, हम लोग जाएंगे तो काम करेंगे, सबको वीजा देने के लिए बैठा है, आओ भाई, कोई नहीं है, कोई नहीं है काम करने, इंजीनियर नहीं है, ना ड्राइवर है, ना कुछ है, कुछ नहीं, समझ में आ रहा है सर? इंडिया को किसी का जरूरत है? हाँ ठीक है, इसलिए ज्यादा पैसा ऑफर कर। तुम ड्राइवरी करने के लिए जाओगे चले जाओ, पंजाब तो बहुत जाते हो, कहाँ जा रहे भाई? कनाडा। ड्राइवरी करके कम से कम मंथली 2-3 लाख कमाए इंडियन मनी, क्या सोच रहे हो? यहाँ सीए करके भी 2-3 लाख मंथली कमाने में माथा खराब हो जाता है, वहां तुम ड्राइवरी करके 3 लाख कमाए, चल जा चल जा, ठीक है, फिर भी एक्सपेंडिचर जरूर ज्यादा है, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी आप समझ रहे हो ना, क्योंकि उनके पास पैसा है पर काम करने का कोई नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ उनका थम जाता है, तो इसलिए लिटिल बिट इकोनॉमिक में पॉपुलेशन ग्रोथ, लेबर फोर्स, एम्प्लॉयमेंट होना पड़ेगा, नहीं तो काम थम सा जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा भी पड़ता है, पीपीसी का शिफ्टिंग नेगेटिव में भी हो सकता है, जैसे कि कोरोना पीरियड, कोविड में हम लोगों ने देखा 2020-21 इकोनॉमी किस तरह से नेगेटिव ग्रोथ में चला गया था, लोगों का जॉब चला गया, इनकम कम हो गया, घर घर का कहानी था, तो तब क्या होता है, ये पीपीसी यहाँ था ना, ये पीपीसी इधर एरो नहीं होगा, एरो इधर हो जाएगा, यानी जो ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है वो नीचे आ जाएगा, ड्यू टू वार, ड्यू टू पैंडेमिक, एपिडेमिक, कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर ड्यू टू बैड इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे कि नाइजीरिया का हुआ है, कोलंबिया का हुआ है, क्या बोलते उसको, जहाँ तेल का कुआं है, श्रीलंका का हुआ है, पाकिस्तान का हुआ है, वो तेल का कुआं का कंट्री का नाम बता, नहीं नहीं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, इराक, ईरान, तुर्की, इजिप्ट, चेक करो सबका हालत अच्छा नहीं है, पाकिस्तान नॉट इन ए गुड सिचुएशंस, यूरोप साउथ अमेरिका में चले जाओ, अर्जेंटीना, पेरू अच्छा कंडीशन में नहीं है, चेक कर सकते हो घर जाके, समझ में आया सर? तो एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर ये जो पॉइंट था बेसिकली, मैं एक्चुअली ये वाला टॉपिक या ये वाला चैप्टर आप लोगों के हिसाब से आप बोल सकते हो, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ ए प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली इस पॉइंट का बारे में बताते हैं, ये वाला, तीन तरह का सिस्टम होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड, उसमें कैपिटलिज्म को ही प्राइस मैकेनिज्म के अंदर काउंट किया जाता है, समझ में सर? ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म में मैंने ज्यादा बात आज नहीं किया, नेक्स्ट क्लास में मैं प्राइस मैकेनिज्म में थोड़ी बात करते हैं और फिर डिमांड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँ, ठीक है? मेरा नोट्स अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मेरे से कलेक्ट कर लेना, ठीक है? ओके, तो फिर आज इतना ही रखते हैं, ऋषिता, भूमिषा, पूजा कैसे? हाँ सर, ओके सर, सर हाँ बोल, नोट्स टा এটা না ওই কোম্পানি লয়ার যেটা বলেছিল। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দিয়ে দেব। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা থেকে পড়তে পারিস, আমার নোটসটাও ফলো করতে পারিস, আমার নোটস একটু ইজি থাকে, শর্টে থাকে। ওকে স্যার, বাই স্যার।